एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए, एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, जल्दी बताएं। यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो डन 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 डन, ठीक है ना? आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। ओके डन, चलिए। सो फाइनली वो दिन है ना, फाइनली वो दिन वो घड़ी आ चुकी है जब हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, है ना? इसका हम आज जो है सुपर चार्ट बुक से हमारे, इससे हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं CA फाउंडेशन डिसमेट 2023 एग्जाम्स के लिए। इसमें जो है बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में टोटल 3 यूनिट्स है ना। सो आज हम जो है यूनिट 1 और 2 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड देन परसों जो है हमारा यूनिट 3 आने वाला है, ठीक है ना? सो परसों यूनिट 3 आएगा और चैप्टर 4 पूरा हो जाएगा, फिर चैप्टर 3 भी आपको करवाएंगे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 सब मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश बोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं CA फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BC के, एंड आगे जाके CA इंटर में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। आपके पास जब बाद में एग्जाम्स के बाद जब आपके एग्जाम्स हो जाएगी, फिर आपके पास फ्री टाइम रहेगा, तब एक बार ना हमारे इसके डेमो सेशंस देखना, आप काफ़ी मज़ा आता है CA इंटर में भी। लेकिन इसके लिए आपको CA फाउंडेशन पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना? हमारी बेटा हमारी जो पूरी अल्टीमेट CA की टीम है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रही है हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा जो अगला टेस्ट है वो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3-4 पे ही होने वाला है 13 दिसंबर को, राइट? सो इसके लिए रेडी रहे, है ना? और हमारा जो है नागपुर में फेस टू फेस मैराथन होने वाला है 14 to 17 दिसंबर, तो आपको इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। डन बाद मुझे बताइए। ओके, एंड अपने जूनियर्स को हमारे विश्वास बैच के बारे में बता देना, ये CA फाउंडेशन की रेगुलर बैच है June 24 एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। आज हम रिवीजन करने वाले हैं सुपर चार्ट बुक को यूज़ करके। ये आप ई बुक फॉर्म में ले सकते हैं हमारे वेबसाइट mbsite.in से, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको सीरियल की जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे ना, आपको तुरंत मेल पे ही सीरियल की आ जाती है, और उस सीरियल की को कैसे यूज़ करना है उसका वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप मोबाइल फोन में बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे एग्जाम्स तक, ठीक है ना? चलिए डन। सो अब आ जाएंगे हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, है ना, जिसको प्यार से मार्केट्स भी बोलते हैं चैप्टर को। एक्चुअल में चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये चैप्टर का नाम है। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम्स में, अराउंड 15 से 18 मार्क आप इसमें क्या अराउंड 15 से 18 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इस चैप्टर से, ठीक है ना? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बच्चे जो है ना घबराते हैं इस चैप्टर से अननेसेसरीली। एक्चुअल में मैंने आपको जैसे बताया इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना? और फिर आता है यूनिट 3, है ना, इसमें बस बच्चों को दिक्कत होती है तो वो पहले के 2 यूनिट भी नहीं करते। लेकिन मैं जब अब मेरे क्लासेस में आपको तीनों ही यूनिट कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो इस सेशन में यूनिट 1 और 2 कवर करेंगे, यूनिट 3 परसों होगा, ठीक है, अगले सेशन में होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले यूनिट 1 है बेटा इसका मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना? सो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होता है एंड कितने प्रकार के हम मार्केट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए वापस आएंगे। वापस पहले बोलते हैं, सबसे पहली बात इस चैप्टर में आती है कि प्राइस का कॉन्सेप्ट आखिर आता कहाँ से, है ना? बोलते हैं प्राइस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, बोलते हैं देखो 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होता है फ्री गुड्स, एक होता है इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिनका 0 प्राइस होता है, फ्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसका 0 प्राइस होता है, जिसको खरीदने के लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। दे आर जनरली अबंडेंट इन सप्लाई एंड दे डू नॉट हैव स्केयरसिटी, है ना? फॉर एग्जाम्पल एयर, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, है ना? तो आप अगर एक लंबी सांस लेके देखें, क्या आपने इसके लिए किसको पैसा दिया? नहीं, ये हो गया एक प्रकार का फ्री गुड, फुकड़ में मिला। हाँ, लेकिन अब इसको बिजनेस टर्म में कैसे सोचेंगे, तो देखिए आपको पता है विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विंड मिल ऐसी गोल गोल घूमती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो विंड मिल घूमती है हवा से, तो जो हवा यूज कर रहे हैं हम विंड मिल घुमाने के लिए वो हवा फ्री है।
आपको पता है आजकल जो है सोलार एनर्जी यूज की जाती है, वो भी यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सोलार पैनल्स यूज किए जाते हैं। अब सोलार पैनल चलते हैं, चार्ज होते हैं सनलाइट से, तो सनलाइट जो मिल रही है फ्री है। तो ये सब क्या है, ये फ्री गुड्स है, इसको खरीदने के लिए कहीं पे भी हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक गुड्स की, इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं विच आर स्केर्स इन द रिलेशन टू द डिमांड एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ह्यूमन बींग्स के रिसोर्सेज लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है ना, तो हमको चाहिए तो बहुत सारे इकोनॉमिक गुड्स, लेकिन पैसा हमारे पास लिमिटेड होता है इनको खरीदने के लिए। साथ ही साथ इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैंने 10,000 रुपये से एक मोबाइल फोन खरीद लिया, तो क्या वही 10,000 रुपये से मैं कपड़े खरीद पाऊंगा क्या? अब नहीं। तो इस सेंस में सोचना है कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जो पैसा हम खर्चा कर देते हैं इकोनॉमिक गुड्स को खरीदने के लिए, वो पैसा आप कहीं और खर्चा नहीं कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि ये गुड्स को खरीदने के लिए पैसा देंगे कहाँ पे? बोलते हैं मार्केट में। बोलते हैं मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आके मिलते हैं, गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं बेचते हैं। तो बोलते हैं मार्केट में इकोनॉमिक गुड्स को खरीदने के लिए जो हमें पैसा देना पड़ता है वो उसकी होती है प्राइस। तो जो भी चीजों को आपको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है वो चीज को इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं, जो मार्केट में विच आर एक्सचेंजेबल इन मार्केट एंड विच कमांड्स अ प्राइस, राइट? सो व्हाट इज प्राइस? बोले प्राइस का कॉन्सेप्ट आता कैसे है? इकोनॉमिक गुड्स के थ्रू। इकोनॉमिक गुड्स को मार्केट में खरीदने के लिए प्राइस उसका देना पड़ता है, तब जाके वो आपको मिलता है। बोलते हैं प्राइस का मतलब है इट सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ मनी नेसेसरी टू अक्वायर अ गुड और सर्विस। तो कोई भी चीज को खरीदने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ता है उसकी प्राइस होती है। तो ये क्या बताता है प्राइस? ये बताता है मनी वैल्यू, दैट इज द परचेसिंग पावर ऑफ एन आर्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना? मतलब कि एक चीज को खरीदने के लिए उसके बदले कितना पैसा देना पड़ेगा वो उसकी प्राइस होती है, सिंपल भाषा में। आगे फिर बात आती है, यहाँ पे पॉइंट आता है बेटा वैल्यू इन एक्सचेंज या एक्सचेंज वैल्यू का। ये कॉन्सेप्ट दिया था बेटा रिकार्डो ने। तो रिकार्डो नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना? रिकार्डो नामक कौन थे बेटा बताइए? रिकार्डो नामक, यस। तो रिकार्डो नामक क्या थे बताओ? रिकार्डो नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि हमें इकोनॉमिक्स में ना वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज वैल्यू से ही लेना देना है। एक्सचेंज वैल्यू ही क्या होता है किसी चीज की? उसकी प्राइस होती है। बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू मींस द कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेसेबल कमोडिटीज इन जनरल। मतलब कि किसी चीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मोबाइल फोन का एक्सचेंज वैल्यू क्या है, मतलब कि अगर ये आपको चाहिए तो इसके बदले कितना पैसा देना पड़ेगा, ये इसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, जो उसकी प्राइस होती है। सो वैल्यू इन एक्सचेंज या एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है? प्राइस, कि इस मोबाइल के बदले अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो इसके बदले कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी एक्सचेंज वैल्यू ऐसा। तो बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में, आपको एमसीक्यू आता है कि इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज वैल्यू। तो याद रखेंगे इकोनॉमिक्स में वी आर ओनली कंसर्न्ड विद व्हाट? विद द एक्सचेंज वैल्यू। बोलते हैं दो चीज होती है, एक होता है वैल्यू इन यूज, एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। बोलते हैं मार्केट में जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तब वैल्यू इन एक्सचेंज की बात होती है, वैल्यू इन यूज की बातें वहां पे नहीं होती। बोलते हैं वैल्यू इन यूज जो है ये बताता है यूजफुलनेस या यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, है ना? तो उसका यूजफुलनेस क्या है कि कैलकुलेशन में यूज आता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लॉ का, अगर आपका लॉ का एग्जाम है, जिस दिन आपका लॉ का एग्जाम है उस दिन आपके लिए कैलकुलेटर का वैल्यू इन यूज ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और उस दिन अगर आप कैलकुलेटर घर पे भूल गए तो क्या होगा आपके साथ? आपका दिल मचलने लगेगा। समझ पा रहे बात? आपका दिल जो है ना मचलने लगेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि वैल्यू इन यूज जो है वो समय के साथ साथ बदलते रहता है, वो जगह के हिसाब से बदलते रहता है। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव नेचर का होता है। जैसे डॉक्टर के लिए कैलकुलेटर का उतना काम नहीं है, लेकिन एक सीए के लिए कैलकुलेटर का यूजफुलनेस ज्यादा है। तो बोलते हैं पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, ये वैल्यू इन यूज बदलते रहता है। बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हमको, इकोनॉमिक्स में इन द सेंस मार्केट में किसी चीज को खरीदने के लिए उसका वैल्यू इन यूज क्या है वो नहीं देखना पड़ता। मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज वैल्यू या वैल्यू इन एक्सचेंज, इकोनॉमिक वैल्यू देखना पड़ता है, जो उसकी प्राइस होती है। तो एमसीक्यू आता है कि इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसर्न्ड विद व्हाट? विद एक्सचेंज वैल्यू, है ना? ऐसा बोलते हैं कंसिडरेशन सच एज सेंटिमेंटल वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी एज इट इज सब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि रोहित ने जो है
हाँ, रोहित ने जो है ना बेटा पीयूष को अपनी कार, मतलब रोहित ने पीयूष को बोला कि पीयूष भाई तुम्हारी कार ना मुझे बड़ी पसंद है, ये कार मुझे दे दो, अब इस कार के बदले तुम जिंदगी में जो भी बोलोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा, ऐसा। आप समझ रहे बात? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तो ये जो एहसानमंद रहने वाला है जिंदगी भर, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बोले नहीं। ऐसे सब ये सेंटिमेंटल वैल्यू की बातें हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते, वी आर कंसर्न विद द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज। नेक्स्ट, अगली बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर फिर मार्केट क्या होता है। अगर बेटा कोई बच्चा स्टडी मटेरियल लेके बैठा होगा, अभी आप देख सकते हैं एकदम सीक्वेंस में मैं आपको चीजें समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे पास रिवीजन के लिए कोई मटेरियल नहीं है, तो आप ये सुपर चार्ट बुक हमारा परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप ये mvsir.in, हमने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट हमने रखा है, ठीक है ना। ये बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, इसलिए ये चीज़ फ्री में नहीं दे सकता हूँ। यस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे फ्री में, है ना, तो ऐसे नहीं कि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्प हर जगह से कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ फ्री नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो जो हमारे यूट्यूब लेक्चर है वो फ्री गुड्स हैं, हाँ, लेकिन जो बुक्स है वो इकोनॉमिक गुड्स हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे कमांड अ प्राइस, क्योंकि मेहनत से बनाया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। अगली बात बोलते हैं, अगली बात क्या है, मार्केट क्या होता है ना। मार्केट का मतलब होता है, बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो क्या बताइए, जो प्राइस होता है वो कहाँ डिटरमिन होता है, वो डिटरमिन होता है बोलते हैं मार्केट में। बोलते हैं मार्केट एक ऐसी जगह पे है, जहाँ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड सर्विसेज का, इन मतलब गुड सर्विसेज को खरीदा बेचा जाता है, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, है ना। बोलते हैं MCQ आएगा कि मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद द पोटेंशियल टू ट्रेड, है ना। पोटेंशियल टू ट्रेड का मतलब क्या है ना, पोटेंशियल टू ट्रेड का मतलब क्या है, मुझे बताइए जल्दी से, है ना। पोटेंशियल टू ट्रेड का मतलब क्या है, बोलते हैं देखो, जैसे जैसे यहाँ पे ना लड़कियों को पता होगा क्लास में जनरली आजकल लड़के भी हरकतें कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना, सिर्फ वो तो लड़कियां बदनाम है इस चीज के लिए, वरना लड़के भी कुछ कम नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल लोग क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं मस्त, है ना, वहां पे AC की हवा, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, है ना, फिर ऐसा घूमेंगे, बड़े बड़े वो शोरूम में जाएंगे, सब देखेंगे, हाँ यार ये मुझे जमेगा क्या, पहन के देखेंगे, बोलेंगे हाँ यार अच्छा लग रहा है, थोड़ा सेल्फी वेल्फी ले लेंगे, है ना, फिर पता है कि वो तो 10,000 का है, 15,000 का है, तो उसको रख के वापस आ जाएंगे। मतलब क्या है, मतलब कि मार्केट में अगर आप गए तो जरूरी है क्या कुछ खरीदना पड़ता है, ऐसा जरूरी है क्या कि हम अगर मार्केट में गए तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा जरूरी है, कोई कंपल्शन है नहीं। बोलते देर इज अ पोटेंशियल टू ट्रेड, समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर आप मार्केट में गए, आपको सेलर का गुड्स या सर्विस अच्छा लगा, तो आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। इससे शब्द लिखा है कि ऐसी जगह जहां पे बायर सेलर मिलते हैं, एंड देर इज पोटेंशियल टू ट्रेड, मतलब ट्रेड हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, अगर पसंद आ गया, प्राइस सही लग रही तो खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, ऐसा। नेक्स्ट, अगली बात आती है, मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल, MCQ आता है ये भी, है ना, मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल और हेल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, क्या किसी फिजिकल जगह पे मार्केट को होना जरूरी है, क्या कोई फिजिकल जगह पे मार्केट को होना कंपलसरी है, आंसर है नहीं। आजकल आप घर बैठे बैठे मोबाइल फोन ऑर्डर कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे जो है लैपटॉप कंप्यूटर कपड़े घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon से, Flipkart से। बोले तो आज के जमाने में मार्केट को किसी फिजिकल जगह पे होना जरूरी नहीं है, क्या बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या बोलूं बताइए, कम ऑन, यस। तो याद रखेंगे, अब मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल और हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट, अगली बात आती है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, मतलब कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए मार्केट को बनाने के लिए, कौन सी चीजें अनिवार्य है मार्केट के होने के लिए, कौन सी चीजें अनिवार्य है। बोलते हैं मार्केट के लिए सबसे पहली बात, बायर एंड सेलर होने चाहिए, क्या ऑब्वियस सी बात है कि बेटा मार्केट में बायर या और सेलर ही नहीं है तो फिर होगा क्या, तो बायर एंड सेलर होने चाहिए। नेक्स्ट, अब ये दोनों मिलके क्या अंताक्षरी तो खेलेंगे नहीं, ये दोनों मिलके जो है अंताक्षरी तो खेलेंगे नहीं, तो क्या, बोले ये दोनों तो होने ही चाहिए मार्केट में, एंड ये क्यों मिल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने बेचने के लिए, तो मार्केट को होने के लिए बायर सेलर की जरूरत है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। नेक्स्ट बात आती है बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, अब जैसे ही हम शब्द बार्गेनिंग पढ़ते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम हमेशा कस्टमर के नजर से सुन
है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा कस्टमर के नजरे से सोचते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या बेटा आवाज कट रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे। हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बराबर। बेटा प्लीज टाइम पास मत करो ना, ठीक है, तो टाइम पास मत कराओ यार। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम जब पढ़ते हैं ना शब्द बार्गेनिंग, तो हम हमेशा कस्टमर के नजरे से सोचते हैं। बार्गेनिंग मतलब हमको क्या लगता है, डिस्काउंट मांगना, क्योंकि हम हमेशा कस्टमर, हम चीज़ें खरीद रहे हैं ना वो नजरे से सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली बार्गेनिंग को हम सेलर के नजरे से भी देख सकते हैं। बोलते हैं बार्गेनिंग का मतलब होता है, बार्गेनिंग का मतलब होता है बेटा, याद रखना, बार्गेनिंग का मतलब होता है पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। क्या बोला मैंने, इसका मतलब होता है पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस। पावर टू इन्फ्लुएंस का मतलब अफेक्ट, प्राइस को चेंज करने का पावर रखना, इसे बोलते हैं बार्गेनिंग पावर होना। ये समझ में आ रहा है, तो हम बार्गेनिंग पावर सेलर के नजरिए से भी देख सकते हैं, कस्टमर के नजरिए से भी देख सकते हैं, दोनों के नजर से होता है। तो सेलर क्या चाहेगा कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो या कम ना हो, और कस्टमर क्या चाहेगा कि प्राइस कम से कम हो। तो कस्टमर पूरी पावर लगाएगा प्राइस को कम करने की, इस ये बोलेंगे कि कस्टमर बार्गेनिंग पावर यूज कर रहा है, और सेलर पूरी कोशिश करेगा कि प्राइस कम ना हो, तो ये भी अपना बार्गेनिंग पावर लगा सकता है। समझ मारी बात है क्या। और तो बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या है, पावर टू अफेक्ट द प्राइस, प्राइस को चेंज करने की पावर रखना, इसे बोलते हैं बार्गेनिंग पावर। तो ये सेलर के नजर से भी हो सकता है, कस्टमर के नजर से भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगली बात है ना, मैंने बेटा हमारे ये नोट्स को बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवाई है, ई बुक फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो वापस आइए, नेक्स्ट बात आती है नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, दैट इज रैशनल बायर एंड सेलर। बोलते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हमारे मार्केट में जो है बायर्स एंड सेलर्स है ना, ये क्या है, ये रैशनल है, मतलब इनको पूरे मार्केट की जानकारी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, किस प्राइस का है। तो हम ये बेसिक अजम्पशन है कि मार्केट में सारे बायर सेलर रैशनल होंगे, उनको पूरा नॉलेज है मार्केट के बारे में। एंड फाइनली बोलते हैं वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। समझो बेटा मार्केट में गए, आपने बोला ये टी शर्ट मुझे चाहिए, बोले ये टी शर्ट है 500 रुपए की, 800 रुपए की, 1000 रुपए की, बोले जो पैसा देना है दे दो, ऐसा होता क्या। अरे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होगा ना, बस वही बोल रहा है कि वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। बस ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जो मार्केट बनाने के लिए ये होनी होनी चाहिए, वो है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। हाँ अगली बात देखेंगे बेटा, नेक्स्ट। हाँ बढ़े आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगली बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है बेटा जनरल क्लासिफिकेशन। अगली बात क्या है, बोलते हैं सॉरी, अगली बात है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, है ना, कि हम मार्केट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, बोलते हैं हम मार्केट को अलग अलग नजरिए से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बोलते हैं जनरल क्लासिफिकेशन, मतलब जनरली हम मार्केट को, है ना, जनरली हम मार्केट को मतलब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक होता है फैक्टर मार्केट, एक होता है प्रोडक्ट मार्केट। बोलते हैं फैक्टर मार्केट क्या है, जैसे कि हमारा अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बोलते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जहां से इनपुट्स बाय करते हैं ना, उस मार्केट को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। समझ में आ रहा है, फैक्टर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स, तो जहां से हम इनपुट को बाय करते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर मार्केट। जहां पे हम ये इनपुट को अब क्या करेंगे, इनपुट को यहां पे यूज करेंगे,
इनपुट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू आउटपुट फिनिश गुड्स में, इसको फिनिश गुड सर्विस में इसको कन्वर्ट करेंगे, और अब आउटपुट को जहां पे जाके हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस कम ऑन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगली बात, हाँ बेटा जो भी ये चीजें बोल रहा है प्लीज इस बात को याद रखें, हमने ऑलरेडी लीगल एक्शंस लिए हुए हैं और चल रहे हैं, है ना, दे आर ऑलरेडी पेंडिंग। कृपया करके PDF फोटो कॉपी या अननेसेसरी सेल नहीं करनी है बुक्स, ये ऑफिशियल जगह से आप परचेज कीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको लगता है सर मेरे पास स्टडी मटेरियल, मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरे टीचर का बुक से उससे पढ़ सकता हूँ, आपकी मर्जी। मेरे बुक्स के साथ बेटा गलत हरकतें ना करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे। अगर फिर भी कोई ये बात नहीं समझेगा तो हमको फिर ये चीज़ करनी पड़ती है और ये ऑलरेडी होती है, ठीक है ना बात? तो कृपया करके हरकतें ना करें, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए आगे आएंगे वापस, डन। तो मुझे बताइए, देखो फैक्टर मार्केट में क्या लिखा है, बोलते हैं फैक्टर मार्केट में मार्केट इन विच फर्म्स बाय द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस मार्केट से आप इनपुट खरीदते हैं गुड्स सर्विसेज बनाने के लिए, उस मार्केट को बोल रहे हैं फैक्टर मार्केट। MCQ आता है डैश, है ना, MCQ आता है बेटा कि डैश, है ना, MCQ आता है डैश एलोकेट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स मतलब जो गुड सर्विस बनाते हैं उनको रिसोर्सेज कौन देता है? उनको रिसोर्सेज देता है फैक्टर मार्केट, समझा? तो बोलते हैं कि डैश एलोकेट्स रिसोर्सेज टू, है ना, टू प्रोड्यूसर्स, तो क्या हो जाएगा बताइए? दैट इज फैक्टर मार्केट। बोलते हैं प्राइसेस इन फैक्टर मार्केट्स आर कॉल्ड एज फैक्टर प्राइसेस। तो जिस मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स मिलते हैं तो इनपुट्स को यूज करने का खर्चा करना पड़ता है, जो क्या होते हैं, जो होते हैं हमारे फैक्टर प्राइसेस। धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट मार्केट। अगली बात क्या है? अगली बात है प्रोडक्ट मार्केट। बोलते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट क्या है? मार्केट्स इन विच हाउसहोल्ड्स बाय गुड सर्विसेज दे वांट फ्रॉम फर्म्स, है ना, जी ऑब्लिगेस मतलब गुड सर्विसेज। तो आपको MCQ आएगा कि जहां पे हम हमारे फिनिश गुड्स को बेचते हैं या जहां से कस्टमर्स खरीदते हैं चीजों को, वो होते हैं क्या? प्रोडक्ट मार्केट। उस मार्केट को बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। MCQ आएगा डैश एलोकेट्स गुड्स टू कंज्यूमर, तो क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? तो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, हमने मार्केट को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे? जनरल क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो हम अगला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लेकिन ये पढ़ाने के पहले ही मैं बता देता हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि आज के जमाने में ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारे बुक में दिया है तो ऐसा याद करना है। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि हम एरिया के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो मार्केट चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लोकल मार्केट, एक होता है रीजनल मार्केट, एक होता है नेशनल मार्केट, एक होता है इंटरनेशनल मार्केट। पहला देखेंगे, पहली बात है क्या बताइए? फर्स्ट पॉइंट है लोकल मार्केट, एक ऐसा मार्केट विच इज लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन। पहला MCQ, ऐसा कौन सा मार्केट है विच इज लिमिटेड टू लोकल एरिया और रीजन? लोकल मार्केट। बोलते हैं ये इस मार्केट में हमारे जहाँ पे दुकान है, शॉप है, उसके आसपास में जो लोग रहते हैं उनको ही हम गुड सर्विस बेच पाते हैं यहाँ पे। बोलते हैं जनरली ऐसे मार्केट में हाईली पेरिशेबल गुड्स एंड बल्की आर्टिकल्स खरीदे बेचे जाते हैं। हाईली पेरिशेबल मतलब जो जल्दी पेरिश हो जाए, पेरिश मतलब ख़त्म हो जाना, जो जल्दी खराब हो जाए। तो जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है, जैसे सब्जियाँ, है ना, वेजिटेबल्स, जैसे मिल्क, जैसे एग्स एटसेट्रा, ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं। बोलते हैं जनरली ये लोकल मार्केट में बिकते हैं। जैसे आप भी आपके घर में जब सब्जी लाते होंगे, समझो आप मुंबई में रहते हैं, तो आप सब्जी लाने क्या दिल्ली जाते हो क्या? आप आपके घर के आसपास ही जो सब्जी वाले होंगे उनसे लोगे, तो उन सब्जी वालों का लोकल मार्केट है, आसपास के लोग उनसे चीजें खरीदेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दूर से अगर लेके आएंगे तो रास्ते में खराब हो सकता है ऐसा। एंड दूसरी बात आती है बल्की आर्टिकल। बल्की मतलब क्या? हैवी। बल्की का मतलब क्या है? हाँ बल्की का मतलब क्या होता है? हैवी आर्टिकल्स, ठीक है ना।
बल्कि का मतलब क्या है, हैवी। बोलते हैं कि जो हैवी चीजें रहती है ना, उनको उनको लंबे डिस्टेंस में क्या लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसलिए बोलते हैं कि लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करना ऐसी है, बल्कि चीज़ों को, हैवी चीज़ों को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, अन इकोनॉमिकल होगा, मतलब ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए हम बल्कि आर्टिकल्स को लोकल एरिया में बेचते हैं, जो पेरिशेबल नेचर की चीज़ें उसे भी लोकल एरिया में बेचते हैं, राइट। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि कौन सा मार्केट है जिस लिमिटेड टू पर्टिकुलर लोकेलिटी, यस कम ऑन, लोकल मार्केट। इसमें सर्विसेज में क्या आ सकता है, जैसे हेयर ड्रेसर, रिटेलर्स, समझो अगर आपको हेयर कट करवाना है ना, तो अगर आप मुंबई से जो क्या दिल्ली जाओगे क्या हेयर कट करवाने, नहीं, अपने ही घर के आसपास कोई दुकान में जाओगे आप हेयर कट के लिए, करेक्ट। वैसे ही समझो आपको राशन वगैरह खरीदना है, बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट खरीदने आपका एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, घर के आसपास ही जो रिटेलर होगा वहां से खरीद लेते हो, लोकल मार्केट। अगला आता है रीजनल मार्केट। बोलते कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज होते हैं जो एक जो क्या बताइए जो कुछ पर्टिकुलर सिटीज में या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही मिलते हैं। जैसे कि मैं पटना में गया था, अभी एक दो साल पहले की बात है, पटना में हमारा मैराथन हुआ था, तो वहां पे हमने वो खाया था, क्या बोलते उसको, लिट्टी चोखा। अब लिट्टी चोखा जो है ना, वो जनरली वही बिहार के आसपास वो ज्यादातर मिलता है, वो बाकी जगहों पर नहीं मिलता ज्यादा। आप समझ रहे बाद में क्या हो रहा हूँ, अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर लिट्टी चोखा मिलेगा क्या, आपको नहीं मिलेगा। बोलते कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका रीजनल मार्केट होता है, समझ में आ रहा है, जो एक पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स तक या कुछ सिटीज तक सीमित होती है उसका मार्केट, है ना। जैसे आपने सुना है महाराष्ट्र में होता है मिसल पाव, तो मिसल पाव खाना है तो महाराष्ट्र में कुछ सिटीज में ही मिसल पाव मिलता है, जनरली बाहर आपको आसानी से मिसल पाव मिलेगा नहीं। वैसे ही आसाम में है बेटा मेखेला चादर, ये आसामीज सारी है जो आसाम में ही मिलती है, आसाम के सिटीज में मिलती है, बाहर जनरली आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका थोड़ा सा बड़ा मार्केट होता है लोकल मार्केट से, विच कवर्स फ्यू एडजस्टेड, मतलब आसपास की सिटीज या पार्ट्स ऑफ स्टेट्स या क्लस्टर ऑफ स्टेट लिखते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो इसे बोलते हैं रीजनल मार्केट, है ना, जिसका प्रोडक्ट का मार्केट क्या है कुछ सिटीज तक, कुछ स्टेट्स तक ही सीमित है। अगला आता है नेशनल मार्केट, ऐसी चीजें बेटा जो पूरे इंडिया भर में बिकती हो पर इंडिया के बाहर नहीं। सो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज व्हाट, व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लिमिटेड टू अ नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इसे बोलते हैं नेशनल मार्केट। बोलते हैं जनरली गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऐसी ट्रेड पॉलिसी बना सकता है टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग ऑफ अ कम्युनिटी विद इन द कंट्री, मतलब गवर्नमेंट ने देखो जब कोरोना चालू हुआ था ना बेटा, उस समय पे N95 मास्क, अगर आपको याद आ रहा हो तब बोला था कि N95 मास्क आपको पहनने हैं सबको, ठीक है ना। अब इंडिया में क्या हो रहा था, धनाधन इंडिया में N95 मास्क बन रहे थे और एक्सपोर्ट होते जा रहे थे इंडिया के बाहर। गवर्नमेंट ने तुरंत पॉलिसी बनाई, बोला अरे वो ढोकलो लोग, पहले इंडिया में सबको तो N95 मास्क मिल जाए फिर बाहर भेजना ना। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, भैया N95 मास्क इंडिया में जो बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना के क्या कर सकता है, किसी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग हमारे कंट्री के अंदर सीमित, रिस्ट्रिक्ट करके रख सकता है ऐसा। सो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ये क्या होता है नेशनल मार्केट। एग्जांपल स्टूडेंट ने दिया है, बोलते हैं हिंदी बुक्स। अब देखो कैसा एग्जाम्पल दे, मुझे बताओ कि सिर्फ इंडिया में ही लोग हिंदी बुक पढ़ते होंगे क्या, क्या इंडिया के बाहर किसी को कोई हिंदी बुक खरीदता ही नहीं होगा, खरीदते होंगे। इसलिए हमने आपको बोला कि द अबव क्लासिफिकेशन इज आउटडेटेड, लेकिन हमारे बुक में दिया तो हमको याद रखना है, समझा। आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर बात आती है बेटा इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट मतलब ऐसी चीजें बेटा जो बहुत ही हाई वैल्यू को ऑन स्मॉल बल्क, मतलब कि जैसे सोना, 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का आता है ना, तो क्या है क्वांटिटी थोड़ी सी पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी चीजों को ना एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान होता है, तो इसलिए ऐसी चीजों का इंटरनेशनल मार्केट होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो बोलते हैं गोल्ड सिल्वर को हम इंडिया में भी बेच सकते हैं और इंडिया में बना हुआ गोल्ड को हम बाहर भी बेच सकते हैं ऐसा, तो इसका इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो आपको एमसीक्यू कैसे पूछेगा, कम ऑन, बोलेगा हाईली पेरिशेबल या बल्कि आर्टिकल कहां बिकेंगे, लोकल मार्केट में। आपको बोलेगा ऐसा कौन सा मार्केट है विच इज क्या बताए, विच कवर्स अ वाइडर एरिया, फ्यू एडजेसेंट सिटीज या पार्ट ऑफ स्टेट्स, रीजनल मार्केट। आपको बोलेगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसका डिमांड इज लिमिटेड टू नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के सीमा के अंदर ही जो चीजें बिकती है वैसा, वो जाएगा नेशनल मार्केट। ऐसा कौन सा मार्केट है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे हाई वैल्यू स्मॉल बल्क कमोडिटीज बिकती हो, इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आ रहा है, सिंपल।
लेकिन बोलते हैं ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, आज के जमाने में तो दूध भी एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल मतलब होता है ऐसा कि दूध जो है एक सिटी में बन रहा है पर दूसरे सिटी में उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं, ऐसा भी होता है आजकल। आजकल सब चीज़ें पॉसिबल, तो ज़रूरी नहीं कि पेरिशेबल गुड्स जो है उसका लोकल मार्केट ही हो, पेरिशेबल गुड्स का नेशनल मार्केट हो सकता है, पेरिशेबल गुड्स का क्या बोलते हैं रीजनल मार्केट भी हो सकता है एटसेट्रा, पर हमें जो है इसके हिसाब से ही चीज़ें याद रखनी है, ऐसा है बस। आगे अगली बात आती है कि हम मार्केट को रेगुलेशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। बोलते हैं कुछ मार्केट होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, कुछ मार्केट होते हैं जो अनरेगुलेटेड होते हैं। अब सर ये हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा बेटा सुमन है ना, जैसे मैंने बोला सुमन है ना, योगेश, अजय, ठीक है ना, हाँ अजय, फिर मैंने लिखा आयुष। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि आप ये बताओ, सबसे पहले हम इन लोगों को क्लासिफाई करेंगे कोर्स के बेसिस पे, आप इस नजर से बताओ कि ये कौन सी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने बोला सारे ही बच्चे जो हैं वो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले कैसे क्लासिफाई किया इन लोगों को, कोर्सेस के बेसिस पे। अब मैं इनको क्लासिफाई करना चाहता हूं जेंडर के बेसिस पे, मैंने बोला जेंडर के बेसिस में बताऊं, मैंने बोला ये मेल है, सुमन फीमेल है, ये मेल है और ये मेल है, समझ में आ रहा है। तो अब आप ऐसा बोलेंगे क्या सर, ऐसे कैसे सर, आयुष तो सीए है वो मेल कैसे हुआ, ढोकले, मतलब आयुष तो सीए स्टूडेंट है ये मेल कैसे हुआ, ढोकले, क्या सेम चीज को हम अलग नजरिए से देखेंगे तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो सकता है, हाँ बस वही चीज है, क्या आयुष सीए स्टूडेंट हो सकता है, हाँ, और क्या वो मेल है, मेल भी है। मैंने बोला अब इस इन लोगों को कंट्री के बेसिस पे डिवाइड करो, तो मैंने बोला सारे ही बच्चे इंडिया से हैं, तो क्या ऐसा, अब आप ऐसा बोलेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, सर योगेश तो मेल है ये इंडिया से कैसे हुआ, आप समझ में आ रही बातें मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमें नजरिया समझना है, जैसे हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बोला पेरिशेबल गुड्स कहां बिकते हैं, लोकल मार्केट में, लेकिन जब आप टाइम के बेसिस पे देखोगे तो टाइम में आपको पता चलेगा कि पेरिशेबल गुड्स वेरी शॉर्ट पीरियड में भी बिकते हैं। अब आप बोले सर ऐसा कैसे हो गया, सर आपने तो पहले बोला पेरिशेबल लोकल, अब वेरी शॉर्ट में कैसे, ढोकले हम जो है ना, हम किस नजरिए से देख रहे हैं वो भी समझना जरूरी है, तुम बात समझे क्या, यहां पे जब हम बोल रहे हैं पेरिशेबल गुड्स वेरी शॉर्ट में बिक रहा है, तो हम यहां पे मार्केट को टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट जबरदस्ती जो है कंफ्यूज नहीं करेगा कि बताओ पेरिशेबल वेरी शॉर्ट में बिकेगा कि लोकल में, ऐसा फालतू सवाल नहीं पूछेंगे, उनमें दिमाग है, जो बच्चों को ऐसा लगता ना आप समझ जाओ मतलब कि आप में क्या है ना, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जबरदस्ती आपको कंफ्यूज नहीं करेगा ऐसे सवाल पूछ के, हमें समझना है कि सेम चीज का मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट, अब यहां पे आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, तो रेगुलेशन के बेसिस पे देखें जल्दी, बोलते एक होता है रेगुलेटेड एक होता है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है ऐसा मार्केट जहां पे ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होते हैं, ऐसा मार्केट मतलब जहां पे ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड है, मतलब लॉ के हिसाब से रेगुलेट निगरानी रखी जाती है ताकि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना कर सके। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर सेबी की निगरानी होती है, और क्योंकि वहां पे पहले अनफेयर प्रैक्टिसेस गलत काम किए हुए हैं हर्षद मेहता एक्सेट्रा लोगों ने, तो इसलिए ऐसे मार्केट में ट्रांजैक्शंस के ऊपर निगरानी रखना जरूरी है। एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, याद रखेंगे स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट, समझो आप आपके घर के पास कोई सब्जी वाला है, वहां से आपने 10 किलो टमाटर खरीदे, अब आपके उस ट्रांजैक्शन पे किसकी निगरानी होगी, क्या नहीं, क्या उसके लिए कोई लॉ आपको अलग से फॉलो करना है, नहीं, समझ मारे, मतलब उसके लिए कोई ऐसा अलग से कोई लॉ वगैरह कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो ये क्या होता है अनरेगुलेटेड मार्केट या फ्री मार्केट, यहां पे कोई स्टिपुलेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रेगुलेशन नहीं होता ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ये होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट अगली बात आती है कि हम टाइम के बेसिस पे भी मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एमसीक्यू आता है कि किसने बोला था, किसने बताया था कि हम मार्केट को टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये बेटा बोला था है ना, ये किसने बोला था, अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने, किसने बोला था बताओ, ये किसने बोला था, ये बोला था बेटा अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने, ठीक है ना, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आगे, ठीक है ना।
तो बोलते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम मार्केट को टाइम के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है इसमें? चार प्रकार के। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, फिर है शॉर्ट पीरियड, फिर है लॉन्ग पीरियड और फिर है वेरी लॉन्ग पीरियड। जितना बोल रहा हूं उतना याद रखना है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को हम और क्या बोल सकते हैं? एमसीक्यू आ सकता है। बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को हम मार्केट पीरियड भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मतलब हम ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो जल्दी खराब हो जाती है। अगर हम बहुत रुकेंगे ना, अगर उन चीजों को स्टोर करके रखेंगे तो खराब हो जाएगी, इसलिए उनको जल्दी बेचना पड़ता है, जैसे ही वो बन जाते हैं वैसे। ऐसा समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं इसे मार्केट पीरियड बोलते हैं। मार्केट पीरियड बोलते हैं इसको। बोलते हैं कि यहां पे सप्लाई जो ना फिक्स होता है, मतलब यहां पे हम सप्लाई को अपने मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते। एग्जांपल बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में पेरिशेबल गुड्स बिकते हैं, जैसे वेजिटेबल, फिश, मिल्क एक्सेट्रा। बोलते हैं ये ऐसी चीज है जो एक बार जब हम बना लेते हैं, है ना, या जैसे हमने मिल्क निकाल लिया गाय से, या समझो हमने फिश निकाल ली पानी से, या वेजिटेबल्स हमने प्लक कर लिए, है ना, तो अब क्या होगा बताइए? अब इनको हम बहुत ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, इनको तुरंत बेचना पड़ता है वरना खराब हो जाएंगे। तो इस नजर से बोला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। एमसीक्यू आएगा कौन सा मार्केट होता है जहां पे सप्लाई फिक्स्ड है। समझो अगर हमें पता चला कि हम जो सब्जी बेच रहे हैं वो सब्जी ना, अब सब्जी का रेट बहुत कम हो गया मार्केट में, तो आप क्या ऐसा बोलूंगा कि काम करता हूं सब्जी को स्टोर करके रख लेता हूं, 2 महीने बाद जब रेट बढ़ेगा ना तब बेचूंगा? ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर पाएंगे, खराब हो जाएगा। तो इसका सप्लाई कम भी नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। बेटा सब्जी उगाने में टाइम तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता कि बीज डाला तुरंत आलू बाहर, ऐसा होता है क्या कि बीज डाला अंदर और तुरंत टमाटर बाहर, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका सप्लाई हम एकदम से बढ़ा भी नहीं सकते, एकदम से कम भी नहीं कर सकते, इसलिए एमसीक्यू आएगा कहां पे सप्लाई फिक्स्ड होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में। नेक्स्ट, हमारा प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट का? डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। तो जहां पे डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे मिलती है प्राइस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो फिक्स्ड है, वो तो कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब कि जैसे जैसे हमारा डिमांड चेंज होगा ना बेटा, वैसे वैसे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है। तो एमसीक्यू आएगा कि शॉर्ट पीरियड मार्केट में प्राइस कैसे कम ज्यादा होती है डिमांड के वजह से। तो यहां पे प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है। अगला नेक्स्ट बात आती है शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहां पे हम ये वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है बस, तो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन वेरी शॉर्ट। यहां पे सप्लाई को थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जांपल हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बात आते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। बोलते एक ऐसा मार्केट होता है, मतलब हम लॉन्ग रन में आ चुके हैं, एक ऐसा मार्केट है जहां पे हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आसानी से चेंज कर सकते हैं, हम सप्लाई को यहां पे फुल्ली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो फुल्ली एडजस्ट कर सकते हैं, सारे इनपुट्स को एक साथ बढ़ा सकते हैं, सारे इनपुट्स को एक साथ कम कर सकते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 लॉन्ग रन में पढ़ते ना अपन, लॉन्ग रन आपके कॉस्ट में स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे बताइए? लॉन्ग पीरियड मार्केट में, है ना। हम यहाँ ये पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल के अंदर। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट में हम हमारे प्रोडक्ट्स का सप्लाई पूरी तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इनपुट सारे फैक्टर हमारे वेरिएबल होते हैं बस। बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग रन का सप्लाई का डिमांड कर सके इंटरसेक्शन से जो प्राइस आती है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस या नॉर्मल प्राइस, इतना ही और कुछ भी नहीं है। एंड फाइनली वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? जो ऐसा मार्केट है जो 5 से 25 सालों के रेंज में हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, इसमें एक ही सवाल आता है कि इसको हम और क्या बोलते हैं? हम इसको सेक्युलर पीरियड मार्केट बोलते हैं बस। अब सवाल क्या आते हैं जल्दी देखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला वेरी शॉर्ट में सवाल क्या आएगा, ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे सप्लाई फिक्स्ड है? वेरी शॉर्ट। कहां पे पेरिशेबल गुड्स बिकेंगे? वेरी शॉर्ट, है ना। लेकिन अगर बेटा समझो इंस्टीट्यूट को बोलना है पेरिशेबल कहां बिकेंगे और उसको एरिया के बेसिस पे चाहिए, तो एरिया के ही चारों वो ऑप्शन देगा, जबरदस्ती आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट में दिमाग है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे, फिर बोलेंगे कि सप्लाई कहां पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, मॉडरेटली एडजस्ट शॉर्ट पीरियड। कहां पे सप्लाई को हम फुल्ली एडजस्ट कर सकते हैं? लॉन्ग पीरियड। कहां कौन वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट को और क्या बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड मार्केट। ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखेंगे, अगली बात हम मार्केट को नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बांट सकते हैं। ये एमसीक्यू आता है, बोलते हैं कि जब हम मार्केट को स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट में बांटते हैं
तो ये किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है? आप समझ रहे हैं बात में क्या बोल रहा हूं? मतलब इसके ऊपर भी सवाल आता है। आप समझे, बोलेगा कि हमने मार्केट को स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में बांटा, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? हमने हमने मार्केट को रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड में बांटा, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात क्या है देखेंगे प्लीज। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है आपको? बोलते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में एक होता है स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। ये देखने को मिलता है हमें स्टॉक मार्केट्स में। स्पॉट या कैश मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जहां पे हमने आज कोई चीज खरीदी, उसके बदले आज पैसा दिया, कुछ समय बाद दिया, पर आज के दिन कुछ ना कुछ होता है। जैसे आज मैंने क्या किया, या तो मैंने गुड्स या सर्विस ले लिए, पैसा अभी दिया, कुछ समय बाद दिया, लेकिन कोई ना कोई एक चीज तो हुई। या तो गुड सर्विसेज ले लिए, पैसा दे दिया, ये हो गया, या तो गुड सर्विसेज ले लिए, पैसा बाद में दिया, तो भी चलता। लेकिन फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पे आज कुछ होता ही नहीं है, ना तो आप पैसा देते हैं, ना तो गुड सर्विस लेते हैं। तो होता क्या है, आज सिर्फ एक अग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में हम किसी डेट पे 3 महीने बाद हम रिलायंस के 100 शेयर खरीदेंगे आपसे 2500 रुपए में। मतलब क्या है, इस ये ट्रांजैक्शंस में आज ना तो पैसा लिया जाता है, ना तो गुड सर्विसेज दिया जाता है, कुछ भी नहीं। यहां पे सिर्फ आज क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ्यूचर में किसी डेट पे हम गुड्स को डिलीवर करेंगे और आपसे कुछ पर्टिकुलर पैसा लेंगे, बस। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलता है? स्टॉक मार्केट में। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे बीसी के चैप्टर 6 के मैराथन में समझाया था, डेरिवेटिव वगैरह जो होते हैं वो। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखें नेक्स्ट। अगली बात क्या है? अगली बात है हम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं मार्केट को। दो होता है, एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट का मतलब क्या है, एक ऐसा मार्केट जहां पे गुड सर्विसेज बेटा बल्क या लार्ज क्वांटिटी में बेची जाती है। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। जनरली आप समझो, अगर आपको टी शर्ट खरीदना है तो आप अगर किसी दुकान में गए, दुकानदार ने बोला भैया देखो एक बार में 500 टी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी तो ही बेचूंगा, मतलब कि ये होलसेलर है। तो आपको होलसेलर के पास जाके कभी खरीदना नहीं चाहिए चीज, आपको रिटेलर के पास खरीदना चाहिए। रिटेलर क्या बोलता है, भैया देखो एक टी शर्ट चाहिएगा, ये एक टी शर्ट रख ले। मतलब कि होलसेल मार्केट में क्या होता है, वहां पे ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन ट्रेडर्स। होलसेलर जो है ना वो बल्क में क्वांटिटी बेचता है रिटेलर को, और फिर रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को गुड्स बेचता है ना। तो होलसेल मार्केट में क्या होता है, इट इज बिटवीन ट्रेडर्स, और रिटेल मार्केट में क्या होता है, इट इज बिटवीन बिजनेसमैन एंड कस्टमर, ऐसा। सो होलसेल मार्केट में बिजनेस टू बिजनेस होता है, और रिटेल मार्केट में बेटा बिजनेस टू कस्टमर्स होता है। ठीक है, सो एमसीक्यू बोलेगा ट्रांजैक्शन बिटवीन ट्रेडर्स कहाँ होता है, होलसेल मार्केट में, और रिटेल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज में चीजें बेची जाती है, एंड दिस इज द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एमसीक्यू आएगा डैश इज द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स, क्या बोलेंगे हम, है ना? कम ऑन जल्दी बताएं क्या बोलेंगे, रिटेल मार्केट। डन 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 डन, आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कम ऑन, डन, नेक्स्ट बात देखेंगे जल्दी से, पहले तो लाइक ठोकेंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, जल्दी लाइक ठोकेंगे वीडियो को फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? एक हाथ मिनट का एक थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, वन मिनट ब्रेक, ठीक है, एक मिनट रुके।
चलिए ओके डन, ध्यान देंगे अभी आगे। नेक्स्ट, अगली बात क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, कम ऑन। चलिए अब ध्यान देंगे क्या दिया है। नेक्स्ट बात क्या है, हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन भी मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम कब बताएंगे, जब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे ना, तब एक बार मुझे याद दिलाना, तब मैं ये टेबल आपको बताऊंगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट बात देखेंगे, अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। सबसे पहले मुझे बात आप सब बताएंगे जल्दी से, सबसे पहली बात आपको बताना है मुझे, सुनिए ध्यान से जल्दी फास्ट, आपको मुझे बताना है, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिन, या चलो एवरेज कर लेते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट है ना, और एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। हाँ बेटा देवेश, तो आप प्लीज बाहर जा सकते हैं, मुझे बताओ जल्दी से, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है ना। अगला, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। क्या हमने ऐसे ही पढ़ा है, और यही प्रॉब्लम होता है हमारा कि हम इस तरह से पढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए, कि यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है। नहीं बेटा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, अब ध्यान देंगे जल्दी, कम ऑन, चलिए बताइए जल्दी से, रट्टे बाजो बताओ, बताओ रट्टे बाजो, क्या है क्वांटिटी बताइए। ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमको यही नहीं पता, और इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी होता है। अब सुनिए बात ध्यान से, है ना, बोलते इट डिपेंड्स, तो ढोकले बताओ ना, ऐसा थोड़ी ना होता, इट डिपेंड्स, बोले इट डिपेंड्स, ढोकले आंसर नहीं मालूम, ये बोलो इट डिपेंड्स बोल रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, ये कहाँ पे आता है, ये आता है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ये चीज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 2 में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आता है, और ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 एंड 3 में। यहाँ पे जो बेटा क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पे क्वांटिटी होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब कि लेबर, यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है ना, ये होती है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये होती है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, या आउटपुट आपने कितना बनाया वो, और यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है ना, ये वाली, ये क्वांटिटी होती है क्वांटिटी सोल्ड। सेम चीज होती है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू की। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, जो तुमने टोटल आउटपुट बनाया उसको डिवाइड करो बाय द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, तो आता है एवरेज प्रोडक्ट। आपने जो टोटल टोटल गुड्स बनाए उसका टोटल कॉस्ट निकालो, उसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो आएगा एवरेज कॉस्ट। आपने जो टोटल जो क्वांटिटी बेची है उसको बेच के कितना रेवेन्यू कमाया, उसको टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करो बाय क्वांटिटी सोल्ड, तो आता है एवरेज रेवेन्यू। सिमिलरली यही चीज होती है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिए, मार्जिन प्रोडक्ट, मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू। एक एडिशनल वेरिएबल इनपुट के वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा, ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एडिशनल क्या बताइए, एक एडिशनल क्वांटिटी बनाने से मेरा टोटल कॉस्ट कितना बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट। फिर एक एडिशनल क्वांटिटी बेचने से मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ रहा है, तो ये तीनों में क्वांटिटी अलग चीज की होती है, ये आपको पहली बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे अगली बात। बोलते हैं सबसे पहले देखो, बोलते हैं सबसे पहली बात टोटल रेवेन्यू क्या होता है, बोलते हैं टोटल रेवेन्यू का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म रियलाइजेस बाय सेलिंग अ कमोडिटी। बोलते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेच के हम कितना रेवेन्यू कमाएंगे, मतलब समझो मैं चॉकलेट का सेलर हूँ, मैंने अगर समझो दिन में 100 चॉकलेट्स बेची, तो 100 यूनिट्स बेचे चॉकलेट के,
एक चॉकलेट थी 20 रुपीज की, मतलब दिन का सेल कितना हुआ, दिन का सेल हुआ 2000 रुपए, बस बात खत्म। सो 2000 गया हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या है, अगली बात हमारी हो जाती है बेटा नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, या रादर लिखना चाहिए पर यूनिट सोल्ड। तो जो भी हम यूनिट बेच रहे हैं पर यूनिट हमने कितना कमाया, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए मुझे एक बात बताओ, हमने आपको क्या बोला प्लीज सुनिए, मैंने बोला टोटल रेवेन्यू क्या है, यह है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है ना, इंटू क्वांटिटी सोल्ड। अगली बात फिर मुझे बताइए एवरेज रेवेन्यू क्या है, मैंने बोला टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। तो क्या मैं अब न्यूमरेटर में ऐसे लिख सकता हूँ प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड अपॉन क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का तो फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी क्वांटिटी कट कर देंगे तो क्या बचेगा, चेक करो, बोलेंगे कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। क्या आपको ये बात याद रहेगी कि हमारा एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस से इक्वल होता है, बात खत्म, है ना, चाहे कोई भी मार्केट हो, है ना, चाहे कोई भी मार्केट हो, हमारा एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट, हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, पहली बात। दूसरी बात है ना, दूसरी बात देखेंगे आइए, तो यहाँ पे देखो बोलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट सोल्ड। बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट, एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना, या यही तो होता है प्राइस, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस चाहे कोई भी मार्केट हो। अगली बात बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू जो है ना, है ना, बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू जो है ना बेटा वो क्या है, हाँ बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व की तरह काम करता है। बोलते हैं हमारा डिमांड कर्व क्या बताता है, डिमांड कर्व बताता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप कितने प्राइस पे बेच सकते हैं, या वैसे उल्टा सोचो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, ये क्या बताता है आपका, डिमांड कर्व बताता है। यही सेम चीज एवरेज रेवेन्यू भी बताता है। बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व भी क्या बताता है, यही बताता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किस प्राइस पे बिकेगी। तो बोलते हैं जब एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व सेम चीज बताता है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म चाहे कोई भी मार्केट हो। तो ये दोनों चीज याद रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू प्राइस से इक्वल होती है, एंड एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है ना वो डिमांड कर्व के जैसा होता है चाहे कोई भी मार्केट हो। क्या याद रहेगा बताइए, आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, कमोन, यस कमोन, आगे बढ़े। अगली बात नेक्स्ट देखेंगे डन है बात। अब देखें यहाँ पे मैंने ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, आगे बढ़े नेक्स्ट। बेटा ये चार्ट बुक बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मेरे बहुत सालों की मेहनत है इस चार्ट बुक में, बहुत सोच समझ के सारे पॉइंट्स इसमें डलवाए हैं। आगे देखिए बोलते हैं नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसा आता है, बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू अपना हमारा कितना चेंज होगा, एक एडिशनल यूनिट बेचने से हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, वो बताता है मार्जिनल रेवेन्यू। बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है क्या बताए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब सुनिए मैंने बोला आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। तो चलिए अब हम आपको एक चीज बता ही देते हैं आखिरकार, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक होता है बेटा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब सुनेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बायर्स, या राधा चलो सेलर की बात करते हैं, जहां पे सेलर्स के पास हैव नो बार्गेनिंग पावर।
तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसे मार्केट को बोलते हैं जहां पे सेलर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता, मतलब कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना वो प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम सेलर जो है वो अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताइए जल्दी से, लेकिन मुझे बताइए इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? यहां पे सेलर्स हैव, यहां पे सेलर्स हैव सम, है ना, सम बार्गेनिंग पावर। मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सेलर्स अपने मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर तीन आते हैं, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, एक होता है मोनोपोली और एक होता है ओलिगोपोली। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ऐसा क्लासिफिकेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परफेक्ट में हमें जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो माननी ही पड़ेगी, इम्परफेक्ट में हम हमारे मर्जी से प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब क्या होता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी बेचना है ना, मुझे अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्राइस चाहे, प्राइस एक ही रहेगी, उस पर जितना क्वांटिटी बेचना है बेचो। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा कि अगर तुमको ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है ना तो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। क्या ये फर्क समझ में आ रहा है? बेसिक फर्क परफेक्ट कॉम्बिनेशन इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब इसके अंदर और जा रहा हूं, अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी सोल्ड 1, 2, 3, मैं लिख रहा हूं यहां पे टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू है समझो हमारा पहले 10, फिर है 18, फिर है 24। सर कैसा है? मैंने बोला देखो हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस क्या होता है, इट इज एक्चुअली टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो मेरा टोटल रेवेन्यू है 10 अपॉन 1, इट इज 10। देन बताइए 18 अपॉन 2 इज व्हाट, 18 अपॉन 2 इज 9। देन 24 अपॉन 3 इज व्हाट, इट इज 8, है ना। समझो 4 का है 28 अपॉन 4 इज 7। यस और नो बताइए। हाँ, और मुझे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के बताओ, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के बताइए कैसा आएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक एडिशनल यूनिट से, एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ, 8 रुपये से। एक एडिशनल यूनिट बेचने से मेरा टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ, 6 रुपये से। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ, 4 रुपये से। सो ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। पहले तो हम 0 बेच रहे थे तो एक एडिशनल बेचने से टोटल रेवेन्यू 10 से बढ़ा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये बात होती है हमारे क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन। लेकिन ये कहां पे मैंने बनाया है, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। सर आपको कैसे पता कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की ही है? क्योंकि यहां पे चेक करो, ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो प्राइस को कम करना पड़ रहा है। ये पहली पहचान है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। और यही चीज अगर मैं यही चीज यहां पर बनाऊं, अगर मैं यही चीज बेटा बनाऊं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना, मैं यही चीज अब बना रहा हूं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, चेक करो क्या होगा। यहां पे क्या होगा ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा बेटा, प्लीज चेक कीजिए। बोलते हैं मैंने लिखा जैसे क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू 10, 20, 30, 40, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस निकालो। 10 अपॉन 1 10, 20 अपॉन 2 10, 30 अपॉन 3 10, 40 अपॉन 4 10, और मार्जिन रेवेन्यू निकालो। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 10 का। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 10 का। एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 10 का। पहले तो हम कुछ भी नहीं बेच रहे थे, एक एडिशनल यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा। अरे सर आप, ये किसका है बताओ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सर आपको कैसे पता परफेक्ट कॉम्पिटिशन? क्योंकि यहां पे ज्यादा क्वांटिटी बेचने पे प्राइस को चेंज नहीं करना पड़ रहा, एक ही प्राइस पे चाहे जितनी क्वांटिटी बेच पा रहे हैं, मतलब है कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जांपल है। क्या झेपरी है बात? अब चेक करो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, हर एक लेवल पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। मतलब यहां पे इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कहां पे होता है ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में।
लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है आपका, यहां पे चेक करो कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, पहले को छोड़ो, अब यहां से चालू करो, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, हमेशा प्राइस ज्यादा रहेगा मार्जिन से, मतलब योर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है एंड एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बताएं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट बात देखेंगे। अब बात आती है कि सर आपने ना वहां पे हमको बोला कि देखिए, मैंने बोला जैसे क्वांटिटी, मैंने लिखा 510, मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू 200 और मैंने लिख दिया और 300, ठीक है, मुझे जल्दी से आप मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 यूनिट्स निकाल के बताइए, चलिए फास्ट, सारे बच्चे जल्दी जवाब देंगे चैट बॉक्स में, कम ऑन जल्दी जवाब देना है मुझे, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 यूनिट्स निकाल के बताओ, फास्ट जल्दी बताएंगे, एकदम जल्दी, कम ऑन, मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 यूनिट्स निकाल के बताइए क्या आ रहा है आंसर, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, मैं रुका हूँ आप सबके लिए, मैं आप सबके जवाबों के लिए रुका हूँ। और बेटा वीडियो को जल्दी लाइक ठोक देंगे ना, तो अभी आपको धनाधन पड़ेंगे फटके। हाँ तो देखो, कुछ बच्चों ने 100 लिखा है, कुछ ने 20 लिखा है ना, तो जिस बच्चे ने 100 लिखा उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाना छोड़ दिया जिंदगी में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि एम आर एट एन इज टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन, मतलब कि एम आर एट 10 इज टोटल रेवेन्यू एट 10 माइनस टोटल रेवेन्यू एट 9। अब ये तो क्वेश्चन में दिया है 300, ये तो दिया ही नहीं है, अरे ये क्या है, ये तो टोटल रेवेन्यू एट 5 यूनिट्स है, मतलब कि हम इस केस में ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो सर फिर क्या करें, ये जब लग नहीं रहा तो क्या करेंगे, बोलते यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल मतलब चाहे कैसा भी डेटा हो वहां ये फॉर्मूला को चिपका सकते हो। तो मैं बोलूंगा कितना बड़ा रेवेन्यू 100 रुपए से, कितने यूनिट पे 5 रुपए, मतलब 100 रुपए से रेवेन्यू बढ़ा, 5 यूनिट जब ज्यादा के बेचे ना तो 100 रुपए से रेवेन्यू बढ़ा, मतलब एवरेज में समझ मारा, मतलब पर यूनिट कितना बड़ा रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू बढ़ा हमारा 20 रुपए का, सो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 20, सो ये हो जाएगा 100/5 विच इज 20, डन। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को सिर्फ याद करने के लिए रखेंगे लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ तब यूज होता है जब सिंगल यूनिट चेंज हो, मतलब यहां पे देखो, यहां पे क्या एक एक यूनिट का चेंज हो रहा है, चेक करो एक एक यूनिट का चेंज हो रहा है क्या, हाँ, मतलब जब सिंगल यूनिट चेंज हो रहा है ना तब वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ये वाला, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हैं, चाहे सिंगल यूनिट का चेंज हो या मल्टीपल यूनिट्स का चेंज हो, हर जगह पे ये फॉर्मूला लगता है। तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बात समझ में आ रही है, मैं क्या करूं, जल्दी बताए फास्ट, डन है बात, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताएं क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गाइस, कम ऑन, डन ना, तो हमेशा लगाएंगे। अब अगली बात आती है, सर आपने एक और फॉर्मूला बताया, तो याद रखना कि व्हेन डेटा ऑफ टोटल रेवेन्यू इज गिवन इन इक्वेशन फॉर्म, When data of total revenue is what is given in equation form, तो तब क्या होता है, आपको बोलेगा जैसे total revenue है ना, example, total revenue is 20Q³ plus 15Q² plus 7Q plus 23, तो आपको बोलेगा find marginal revenue, है? सर ऐसा होता है क्या, होता है, ऐसा भी पूछते हैं इंस्टीट्यूट, क्या करोगे, अब ऐसे केस में तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते आप,
तो अब क्या करें, अब आपको लगाना पड़ता है डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब ये होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बोलते हैं क्या क्या होगा, अब देखिए प्लीज ध्यान देंगे। बोलेंगे यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू विल बी डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। मतलब डेरिवेटिव ऑफ 20Q³ प्लस 15Q² प्लस 7Q प्लस 23 विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब मैंने इसका लॉजिक हमारे रेगुलर क्लासेस में दिया था, अभी सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ क्या करना है। बेटा जो पावर में है ना उसको सामने लाना है और पावर से एक कम करना है। मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका पावर को सामने लाओ और पावर से एक कम करो प्लस पावर को सामने लाओ और पावर से एक कम करो प्लस ये पावर को सामने लाओ और पावर से एक कम करो। और याद रखना कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। मतलब क्या क्वांटिटी के बदलने पे इसकी वैल्यू चेंज होगी 23 की, नहीं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो जीरो, अब क्या आया वैल्यू बताओ। आंसर आ रहा है 60Q² प्लस 30Q प्लस 7, क्योंकि क्यू रेसिडियो बराबर जीरो क्या होता है 1, तो 7 इंटू 1 1 7। मतलब मुझे बताइए तो मार्जिन रेवेन्यू क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा। आप समझे, मैं एक और सवाल करवा रहा हूँ, जल्दी देखें। यही सेम चीज़ ना इंस्टीट्यूट ने बेटा कॉस्ट में पूछी हुई है, सेम चीज़ कॉस्ट में भी होती है। चेक करो, अगर आपको बोला टोटल कॉस्ट इज 25Q³ प्लस 10Q² प्लस 30Q प्लस 90, बताइए। बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट निकालो, यहाँ पे भी कर सकते हो आप सेम चीज़। मार्जिनल कॉस्ट विल बी डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो हमें याद रखना है कि डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब इक्वेशन फॉर्म में दिया हो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसको सामने लाओ 75Q पावर में से कम करो, इसको सामने लाओ पावर से कम करो, इसको सामने लाओ पावर से एक कम करो, तो 30। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, बात खत्म हो गई। क्या आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। अब एक बच्चा बोल रहा था सर थोड़ा सा ना स्पीड में करे, क्योंकि ना सर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। ढोकले छोले भटूरे यही तेरी प्रॉब्लम है, अभी तक जहाँ पे तुम क्लासेस कर रहे थे ना, जो भी तुम देख रहे थे ना, यही प्रॉब्लम था कि हमको जो पॉइंट रिवाइज करना चाहिए वो हम करते नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ रीड कर करके आगे बढ़ो। भैया मैं वैसे पढ़ाता ही नहीं हूँ, आपको अगर वैसे पढ़ना है तो मत पढ़िए भैया। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको एग्जाम में MCQ सॉल्व करना जमना चाहिए। आपका टाइम पास कराने नहीं आया हूँ यहाँ पे, आपको एक्चुअल में कुछ सिखाने आया हूँ। अब ये चीज़ मुझे बताओ मैराथन में कौन बताएगा आपको ये चीज़, और ये एग्जाम में आ गए तो क्या करूँगे। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बताना, और इससे समझ में आता है कि हमने रेगुलर क्लास में जो नहीं किया वो अब मैराथन में सीख रहे हैं, बताओ राइट। तो जैसे करवा रहे प्लीज ध्यान दीजिए, आगे देखें नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया आपको सारे फॉर्मूला कब क्या कर रहे हैं। तो जनरली ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन अगर इक्वेशन फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला। अगला देखें, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस कहाँ होता है, हर प्रकार के मार्केट में। लेकिन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू क्या कहाँ पे होता है बताओ, ओनली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये लॉजिक समझ में आ रहे हैं, है ना, ये भी समझ लिखिए, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर बात आती है कि भैया इम्परफेक्ट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल एवरेज मार्जिन उनके साथ क्या होता है। अब सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन का चेक करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, समझो 10 रुपये, ठीक है ना। अब मुझे चाहे एक यूनिट बेचने हो, दो बेचने हो, तीन बेचने हो, चार बेचने हो, पाँच बेचने हो, मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है कितना रहेगा, 10 रुपये ही रहेगा। तो इसलिए मेरा एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि चाहे जितनी भी क्वांटिटी बेचनी हो एक ही प्राइस पे बिकेगी। अब हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और ये जो हमारा कर्व है, क्या इस कर्व को मैं डिमांड कर्व भी बोल सकता हूँ क्या, हाँ इसको मैं डिमांड कर्व भी बोल सकता हूँ। किसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म का। तो चेक करो, बोलते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कॉन्स्टेंट एवरेज रेवेन्यू होता है, चाहे जितना क्वांटिटी बेच रहे हैं कॉन्स्टेंट प्राइस रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, बोलते हैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व भी बोलेंगे या MR कर्व भी बोलेंगे।
ये होता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड यहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। एमसीक्यू आएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होता है उसका इलास्टिसिटी कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। एंड यहां पे हमारा एंड यहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा, वो बनेगा बेटा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से बढ़ते जा रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 समझ रहे। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा बनता है, इसमें ऐसा बनता है, ऐसा बनता है टोटल रेवेन्यू का कर्व। लेकिन अब आइए अब देखेंगे जल्दी से, बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा। तो बोलते हैं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू होता है। क्या मैंने आपको बताया फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मुझे एक यूनिट बेचना है तो ₹10 पे चलेगा, लेकिन अगर दो यूनिट बेचना है तो भैया फिर प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर चार यूनिट बेचना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, मतलब कि भैया अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा एवरेज रेवेन्यू कर्व कहां पे, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मतलब ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली, उसका बाकी डिटेल बाद में देखेंगे यूनिट थ्री में, ठीक है ना। सो यहां पे आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है या एवरेज रेवेन्यू कर्व बनता है। अगली बात, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद करो कि हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो ज्यादा तेजी से गिरता है एवरेज रेवेन्यू से, मतलब यहां पे बेटा क्या होता है, यहां पे हमारे मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कम होती है एवरेज रेवेन्यू से। चेक करो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना, या एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, करेक्ट, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है सोचना सब कुछ कहकर ही सबको पता जरूरी है। आगे बढ़े चलते चलो टाइम पास आगे देखें। तो क्या बोल रहे बताओ, ऐसे क्यों होता है कि मार्जिन और एवरेज से कम है। बोलते हैं इसका रीजन है, अब सुनिए बात बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, ये जो है ना ये टेबल, इससे ही मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए अभी बात, एक बात सुनना। जब बेटा मुझे एक यूनिट बेचना होता है ना, जब मुझे एक यूनिट बेचना है ना तो क्या होता है, मेरा एक यूनिट बिकता है ₹10 में, ठीक है ना। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आता है ₹10, एवरेज रेवेन्यू कितना आता है 10/1 राइट। मार्जिन रेवेन्यू पहले तो कुछ भी नहीं बेच रहा था तो 10, ठीक है आगे। अब अगर मुझे दो यूनिट बेचने हैं ना टोटल में, तो क्या ऐसा होता है क्या कि सिर्फ दूसरे यूनिट का प्राइस कम होगा। जब मुझे दो यूनिट बेचने हैं तो क्या ऐसा होगा कि सिर्फ दूसरे यूनिट का ही ₹9 पे बिकेगा, नहीं। जब दो यूनिट बेचने होते हैं ना तो प्राइस जब कम होता है तो दोनों को कम प्राइस पे बेचना पड़ता है, तो ये भी ₹9 का बिकेगा, तो इससे टोटल रेवेन्यू 18। अब एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा 9, मार्जिन रेवेन्यू 9 आना चाहिए क्या, बोले नहीं, हमने क्या ये प्राइस सिर्फ एक में कम किया क्या, पिछले प्रोडक्ट में भी कम हुआ है, इसमें पिछले प्रोडक्ट का भी ₹1 कम करो, पहले ये प्रोडक्ट 10 का बिकता था अब 9 का बिक रहा है, तो ये भी ₹1 कम में बिक रहा है, ये भी ₹1 कम में बिक रहा है, तो इसलिए 9-1 8 आएगा, चेक कर लो आप, ये आएगा 8। एक और बार समझा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज देखिए, मैं बोल रहा हूं जब मुझे तीन यूनिट बेचने होंगे तो क्या ऐसा होता है क्या कि सिर्फ तीसरा यूनिट ₹8 में बिकेगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू 8, सिर्फ तीसरा यूनिट 8 का बिकेगा, नहीं, ये पीछे के जो दो यूनिट है ना इसमें ₹1 इसमें भी कम होगा और ये भी 8 का बिकेगा, तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू 8-1-1 मतलब कि 8-2 6 आएगा यहां पे मार्जिन रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि जब हमें एडिशनल यूनिट बेचने होते हैं तो प्राइस कम होता है, लेकिन क्या जो प्राइस कम होता है सिर्फ एडिशनल यूनिट के लिए होता है कि पीछे के यूनिट्स में भी कम होता है, पीछे के यूनिट्स में भी कम होता है। सो इसको कैसे लिखते हैं, यहां पे देखिए इसको लिखते हैं ऐसा है कि व्हेन, देखना अभी क्या बोल रहा है, बोलता है एमआर क्यू कम है एवरेज रेवेन्यू से, क्योंकि एनी रिडक्शन इन प्राइस अप्लाइज टू ऑल यूनिट सोल्ड। जब प्राइस हमारा डिक्रीज होता है ना तो पीछे के यूनिट्स में भी प्राइस कम होता है फिर, तो इसलिए मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिरता है एवरेज रेवेन्यू से। ये एमसीक्यू आता है बेटा, दिस कम्स एज एन एमसीक्यू, ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस चीज को, राइट। आगे बोलते हैं हमारा इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में एवरेज रेवेन्यू विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। यहां पे
यहां पे एमआर के साथ क्या होता है चेक करो, एमआर जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो एमआर आपका जीरो हो सकता है, या आपका एमआर जो है नेगेटिव हो सकता है। अब चेक करो, जब एमआर आपका पॉजिटिव है पर गिर रहा है तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। सो व्हेन एमआर इज पॉजिटिव तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इसे बोलते हैं बेटा इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। सर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता तो ऐसा बनता, समझ मारे, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता ना बेटा तो ऐसा बनता, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट है मतलब इसलिए ऐसा बन रहा है। क्या आपको झेपरे के बाद में क्या बोलो जल्दी बताए फास्ट, क्या आपको ये बात समझ मानी मैं क्या बोलूँ? अब देखें तो बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट है ना, फिर आपका जहाँ पे एम आर होता है जीरो वहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू होता है बेटा मैक्सिमम, और जहाँ पे आपका एम आर नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू गिरना चालू कर देता है। चेक करो, मतलब टोटल रेवेन्यू का कर्व यहाँ पे कैसा है, ऐसा उल्टा यू, इन्वर्टेड यू शेप। तो एम सी क्यू आता है कि टोटल रेवेन्यू का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड यू। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, बताइए, है ना? यस, बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगली बात याद रखेंगे, जैसे हमारे बाकी जगहों पे भी होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद रखेंगे ठीक है ना। हाँ, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है? तो ये जैसे बाकी जगह पे होता है यहां पे भी होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि जो जो वैल्यू इसकी होती है ना वही इसमें चेंज देखने को मिलता है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, या मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और यही फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू का, इसलिए ऐसा होता है। क्या डरे बात, आगे बढ़ो, बताइए फास्ट जल्दी, वीडियो को लाइक ठोकेंगे आगे बढ़ेंगे, चलिए जल्दी बताए फास्ट, डने बात, आगे देखें नेक्स्ट देखेंगे आइए, है ना? तो मुझे बताइए टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। टोटल रेवेन्यू जो है इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा, इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड। डने बात, आगे बढ़े अगली बात देखेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है आपका रिलेशनशिप बिटवीन, है ना? देखो बस दो टॉपिक बचे इसमें, ये एक और ये दो, खत्म हो गया यूनिट वन खत्म, फिर हल्का सा ब्रेक लेंगे दो तीन मिनट का और यूनिट टू चालू करेंगे फिर, ठीक है ना? जल्दी देखें आइए, यूनिट टू बेटा 15 से 20 मिनट लगते हैं यूनिट टू को, बस उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आइए वापस बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है, ये कैसे आता है अभी हम उसमें नहीं जा सकते हैं, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला। वो क्या बोल रहा है आपको, वो आपको बोल रहा है, यस कम ऑन, वो आपको बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस वन अपॉन ई, या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एवरेज रेवेन्यू इनटू वन माइनस वन अपॉन ई। तो ये फॉर्मूला था, व्हाट इज ई, यहां पे ई क्या है, ई होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी बताएंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए। तो क्वेश्चन है कि आपका एवरेज रेवेन्यू है 20 रुपीस और आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -2, तो मुझे बताइए कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। चलिए बताइए जल्दी फास्ट, ये ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, ऐसा एग्जाम में सवाल आता है, बताइए। चलो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, ऊपर नीचे वैल्यू दिया, आंसर बताइए फास्ट। चलो देखते कितने बच्चे आंसर देते, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, जल्दी बताए, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे, कम ऑन, यस कम ऑन, आंसर क्या है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं 10, कुछ लोग बोल रहे हैं 30, है ना? माइनस में कोई नहीं बोल रहा कुछ भी, ढोकले, कुछ 10 बोल रहा है, कुछ 30 बोल रहा है। अब देखें पहली बात,
पहली बात तो एक हमें कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है बेटा कि MR AR से कम होता है। तो जो भी बच्चे 30 जवाब दे रहे हैं, मतलब वो कॉमन सेंस भी नहीं लगा पा रहे। बाकी चीजें तो छोड़ दो आप, जो बच्चा आंसर दे रहा है 30, वो कॉमन सेंस भी नहीं लगा पा रहा कि अगर प्राइस ही 20 रुपए है तो ये 30 कैसे होगा। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है या इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। मार्जिनल रेवेन्यू कभी ज्यादा नहीं हो सकता एवरेज रेवेन्यू से। आप समझे बाद में क्या बोल रहे? पहली बात। दूसरी बात याद रखना हमें कि हम जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पे हमें इसका इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है। हम यहां पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करके ये फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो ये चीज भूलना नहीं है हमें। बोलेंगे सर आपने तो हमको बताया नहीं, तो ढोकले छोले भटूरे, तुम्हारी एग्जाम है 15 दिन में, ये तुमको पता होना चाहिए था, ये मेरे को बताना पड़ रहा मैराथन में। अब ध्यान दीजिए इधर आइए, तो हम क्या करेंगे अभी, हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इन टू ई माइनस वन अपॉन ई। तो यहां पे माइनस साइन नहीं लेंगे, समझ मारा क्या बोल रहा हूं? यस। अब आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर आएगा 20 इंटू 1/2, मतलब कि 10 रुपीज। सो करेक्ट आंसर इज 10 रुपीज। क्या बात समझ में आ गई सबको? बताइए और एक बार करेंगे, जल्दी बताइए और एक सवाल करेंगे, मुझे बताइए जल्दी से। नेक्स्ट मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एवरेज रेवेन्यू इज 30, इलास्टिसिटी इज -0.75, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए। चलिए जल्दी, फास्ट जल्दी जवाब देंगे, फिर मुझे अगले यूनिट पे जाना है। जल्दी बताएं। यस कम ऑन गाइस, जल्दी जवाब देंगे। कैसे होगा? तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू माइनस साइन को इग्नोर करके ई माइनस वन अपॉन ई, तो हो जाएगा 30 इंटू -0.25 अपॉन 0.75, मतलब आंसर आएगा बेटा इसका -10। तो मार्जिन रेवेन्यू -10 आ रहा है, आ सकता है -10। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या बताइए, ये कभी इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये कॉमन सेंस बेसिक, तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, इतना बेसिक तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। डन है बात, आगे बढ़े, ठीक है ना? तो चलो आएंगे वापस, ये समझ में आ गई बात है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, आगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे बताओ जब इस फॉर्मूला में E अगर इक्वल टू 1 रहा तो 1-1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू AR विल बी 0। तो जब E 1 होता है ना, तो मार्जिन रेवेन्यू 0, और जब मार्जिन रेवेन्यू 0 है तब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है मैक्सिमम। मैंने पढ़ा है अभी, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? इट इज मैक्सिमम, ठीक है ना? अब आपने एक चीज पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में, मैंने करवाया हुआ है ये चीज, कि हम नहीं पढ़ते वहां पे, हम नहीं पढ़ते का कि व्हेन द डिमांड कर्व इज टची, व्हेन द डिमांड कर्व इज टचिंग बोथ द एक्सेस। तो यहां पे मिड पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी कैसे निकलता है बताओ? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यहां पे मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी होता है 1। तो एमसीक्यू पूछेगा कि अगर आप डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे हैं तो बताओ टोटल रेवेन्यू कैसा होगा वहां पे। मतलब अगर आप डिमांड करके मिड पॉइंट पे हैं तो इलास्टिसिटी होगी 1, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका आएगा 0 और टोटल रेवेन्यू आएगा मैक्सिमम। अरे भाई साहब, तो मतलब यहां से इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मुझे बताइए, आपको पता होगा कि जो लोअर सेगमेंट होता है यहां पे इलास्टिसिटी less than 1 होता है, तो अगर हम डिमांड कर्व के लोअर पोर्शन पे हैं तो इलास्टिसिटी less than 1, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाएगा नेगेटिव, तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू आ जाएगा नेगेटिव, और मार्जिन नेगेटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू होता है फॉलिंग। एंड अपर लेवल है ना, अपर मतलब कि आपके मिड पॉइंट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी क्या होता है? ये होता है ग्रेटर देन 1। क्या होता है बताओ? ग्रेटर देन 1।
तो अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व में ग्रेटर देन वन, तो मार्जिन अनु आपका आएगा पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू वन से ज्यादा हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, टू माइनस वन वन पॉजिटिव, थ्री माइनस वन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा एम आर, और आपका ये टोटल अनु यहाँ पे राइजिंग होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी है, प्लीज याद रखें, ठीक है ना। आखिरी देखें लास्ट चीज, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो एक फर्म इस तरह से ही बिहेव करता है, ठीक है ना। ये बिहेवियर के प्रिंसिपल है, रूल्स है, ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। पहला रूल, पहला प्रिंसिपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए अगर उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं हो पा रहा तो। मतलब कि बोलते हैं कि व्हेन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट इज कॉल्ड एज द शटडाउन पॉइंट। बोलता है शटडाउन पॉइंट, शटडाउन का मतलब है कि हमेशा के लिए बंद करते बोले नहीं, शटडाउन एक टेम्पररी समय के लिए होता है कि हम कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन बंद रखे हैं, जब प्राइसेस मार्केट में बाद में बढ़ जाएंगी ना तो हम वापस से चालू कर देंगे काम करना। तो यहां पे उसने क्या बोला, आइए, इसने क्या बोला बेटा सुनो ना प्लीज, इसने बोला कि देखो सुनिए मेरी बात, एक चीज होती है बोलते हैं शटडाउन पॉइंट, ठीक है ना। तो शटडाउन पॉइंट जो ना बेटा आप दो चीज में देख सकते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट रन और एक होता है हमारा लॉन्ग रन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो वी अज्यूम कि शॉर्ट रन की बात कर चल रही है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो ना तो हम शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं ऐसा अज्यूम करते हैं। ये समझ वाली बात है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब ध्यान देंगे यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, बोलते हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाना भैया शटडाउन कर लो। मतलब कि जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल रहता ना जिस लेवल पे, ये होता है शटडाउन पॉइंट। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होता है मेरा शटडाउन पॉइंट। कहाँ पे होता है शटडाउन पॉइंट, ये शॉर्ट रन में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट या लॉस तो कैसे निकालू, प्रॉफिट या लॉस बेटा निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके। अब आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसा आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे होता है टोटल कॉस्ट। अब मुझे बताइए जल्दी से फास्ट मुझे बताएंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है ये अगर हम शटडाउन पॉइंट पे हैं, एट शटडाउन पॉइंट क्या होगा, मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल होता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, है ना। तो शटडाउन पॉइंट पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे शटडाउन पॉइंट में क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस आपका आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूँ और ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, आपको लॉस होता है इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो एट शटडाउन पॉइंट तीन चीज होती है, याद रखेंगे, एट शटडाउन पॉइंट तीन चीज होती है। देखिए क्या लिखा है, एट शटडाउन पॉइंट प्राइस आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इक्वल होता है, एंड टोटल लॉस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से इक्वल होता है। देन ये एमसीक्यू आता है कि शटडाउन पॉइंट में क्या होता है, ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबव, क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, बात खत्म। देन आगे बढ़े अगली बात, यहां पे आएगी प्रिंसिपल टू क्या है? अच्छा हाँ, वहां पे लॉन्ग रन में क्या होगा, तो लॉन्ग रन में ना क्या होता है, हम यहां पे वेरिएबल एंड फिक्स्ड का डिस्टिंक्शन नहीं करते, तो लॉन्ग रन में कभी भी लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लॉन्ग रन में सब वेरिएबल हो जाते हैं, तो आप पे वेरिएबल फिक्स्ड का डिस्टिंक्शन करते ही नहीं है। तो शटडाउन पॉइंट अगर आपको पूछा लॉन्ग रन में तो क्या होता है, ये होता है वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मतलब कि अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो गया तो हमें शटडाउन कर देना चाहिए। कहां पे बताओ जल्दी से, कहां पे, लॉन्ग रन में। सर एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी या एवरेज टोटल कॉस्ट, तो मैं एवरेज कॉस्ट लिखूं या एवरेज टोटल कॉस्ट लिखूं, ये दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको शटडाउन पूछा शटडाउन पॉइंट क्या है, तो शटडाउन पॉइंट होता है ये शटडाउन पॉइंट है, ठीक है ना, टोटल में ऐसा एवरेज में ऐसा, इसे शटडाउन पॉइंट।
सर आपको कैसे पता, यही बोलना है। मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, मतलब शॉर्ट रन की बात कर रहा है, तो शट डाउन पॉइंट से पूछा है, मतलब शॉर्ट रन का बोल रहा है। उसने स्पेसिफिकली बोला कि लॉन्ग रन में शट डाउन पॉइंट कब आता है, तो फिर क्या बोलोगे, तो फिर बोलेंगे भैया लॉन्ग रन में शट डाउन पॉइंट है ये, और इससे कम अगर प्राइस हो गया तो फिर बंद कर देना चाहिए टेम्पररी समय के लिए। फिर जब कुछ समय बाद जब प्राइसेस बढ़ जाएगी वापस, तो वापस चालू कर दो। डन है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगली बात, नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिहेवियर प्रिंसिपल। जो अगला है बेटा वो है ध्यान देंगे, वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ आएंगे। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज ध्यान देंगे, सारे बच्चे इसको लिखेंगे एक जगह पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, या लॉस भी हो सकता है ना, या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, ये निकलता है बेटा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके, समझा, अमाउंट कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब समझो मैंने अमाउंट निकाल लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा प्रॉफिट जो मैंने कमाया वो मैक्सिमम है क्या, वो मैक्सिमम है क्या, या अगर समझो मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या चाहूंगा, अगर मुझे लॉस समझो, अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या चाहूंगा, ये प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या चाहूंगा, मुझे लॉस कम से कम होना चाहिए। तो अगर बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है तो क्या वो मिनिमम है क्या, क्या वो मिनिमम है क्या, इसका जवाब कौन देता है, इसका जवाब देता है MR इक्वल टू MC। समझ में आ रहा है, MR इक्वल टू MC वाला लेवल, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाला लेवल क्या बोलता है, ये बोलता है कि जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, जिस लेवल पे, उस लेवल को बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल या लॉस मिनिमाइजिंग लेवल। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें हम MR माइनस MC करके प्रॉफिट नहीं आता, याद रखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, MR माइनस MC करके प्रॉफिट नहीं आता, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट या लॉस आता है। अब जो अमाउंट आया ये अगर प्रॉफिट है तो क्या मैक्सिमम है, लॉस है तो क्या मिनिमम है, तो चेक करो कि क्या वहां पे MR इक्वल टू MC हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम होगा, लॉस होगा तो मिनिमम होगा, ऐसा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या कम ऑन जल्दी बताएंगे, यस गाइस फास्ट जवाब देंगे, क्या ये सबको बात समझ में आ गई, यस। तो यहां पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बोलते हैं अ फर्म विल मैक्सिमाइज विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स या मिनिमाइज करेंगे लॉसेस को कब, जहां पे MR इक्वल टू MC। अब यहां पे आपको एक हाइपोथेटिकल ऐसा आपको डायग्राम बना के दिया है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाऊंगा मार्जिनल रेवेन्यू मेरा गिरते जाता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है ये बढ़ते जाता है। तो बोलते हैं सर एक काम करो, हम उतना ही आउटपुट बनाते हैं जहां पे हमारा MR ज्यादा हो। देखो यहां पे MR ज्यादा है, MC कम है, सर यहां पे बनाओ ना, सिर्फ इतना ही बनाओ, ढोकले होगा क्या, अगर तुमने इससे और ज्यादा बनाया ना तो और प्रॉफिट कमाने की संभावना है, जो आप छोड़ रहे हो, तो आपको MC क्यों आएगा, आपको MC क्यों पूछेगा। समझो आप ऐसा आउटपुट बना रहे हो जहां पे MR MC से ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी जगह पे, यू शुड इंक्रीज आउटपुट, अपने आउटपुट को बढ़ाओ, सच दैट आप उस लेवल तक आउटपुट बढ़ाओ जब तक MR MC से इक्वल ना हो जाए। यहां पे प्रॉफिट होगा लेकिन ये लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो अगर आप इस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको आउटपुट को बढ़ाना चाहिए और MR इक्वल टू MC वाले लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई, मैं क्या बोल रहा हूं बताइए फास्ट जल्दी से, डन 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 डन, आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। यहां पे हमारा आज का ये जो यूनिट 1 है वो खत्म होता है, यूनिट 2 बचा है अभी हमारा, और यूनिट 2 को लगते हैं 15 से 20 मिनट, ठीक है ना। सो हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुका है, आई होप आपको मजा आया होगा।
इस तरह से पढ़ाया है कि नहीं भी पढ़ा होगा पहले तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने लायक मैंने आपको बना दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, अगली बात सुनिए। नेक्स्ट बात क्या है, ये जो सुपर चैट बुक मैं यूज कर रहा हूँ, ये आप अगर आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है हमारे सुपर चैट बुक की, एमसीक्यू बुक एमसीक्यू कंपाइलर की, आप वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं ई बुक फॉर्म में। ई बुक से क्या होता है, ई बुक में ना आपको मोबाइल फोन में या लैपटॉप में एक्सेस मिल जाता है हमारे नोट्स का, फिर वहां पे आप उसको रीड कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये हरकतें ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने, सर हमें प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए अभी। बेटा अब ना एग्जाम बहुत ही पास आ गई है, अगर आप अभी प्रिंटेड फॉर्म ऑर्डर करेंगे उसको आप तक पहुंचने में 8 से 10 दिन लगते हैं, तो कैसे चलेगा फिर, समझ में आ रहा है। इसलिए ई बुक निकालते हैं ताकि इंस्टेंट आपको तब के तब मिल जाए, ओके। आपको लगता है सर मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, मुझे नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या रेडी है, चालू करें यूनिट 2, बताएं फास्ट। क्या हम यूनिट 2 चालू करें? यस, चलिए करें स्टार्ट। बोल रहे सर, सर नहीं कर, प्रिंटेड बुक सर नहीं देंगे ढोकले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी 1000 कॉपी प्रिंट करवा लेता हूँ आपके लिए, क्या दिक्कत है। पर भाई आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा ना बुक को, आप कॉमन सेंस तो लगाओ। आप अगर मेरे घर के बगल में रहते तो आ जाओ भाई, लेके चले जाओ घर से, समझ मारी बात है। मैं आपके भलाई के लिए हमने किया ई बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट सॉन्ग कीजिए बोलते हैं। हाँ 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है, मैं पानी भी लेता हूँ तब तक, कम ऑन। आप भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर हम यूनिट 2 चालू कर रहे हैं। यस कम ऑन, ओके चलिए रेडी, गाना करते बोल रहे हैं। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। चलिए तो अब देखेंगे यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, आइए सो ध्यान देंगे इसमें। बहुत ही चिल्टू है ये चैप्टर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है इस तरह से ही पढ़ना है। आप अगर इसको बुक से पढ़ने जाएंगे कुछ झेपेंगा नहीं, है ना। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बोलते हैं मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब बोलते देखो अगर मार्केट में कभी ऐसा हुआ तो कि आपका डिमांड कर सप्लाई कर जहां पे इंटरसेक्ट होता है वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोलते अगर कभी मार्केट में ऐसा हुआ तो कि मार्केट में जो हमारा प्राइस चल रहा है ना वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो गया तो फिर होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीजें करेगा वो, बोलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है मार्केट प्राइस तो क्या होगा, बोलेगा अच्छा मुझे बताओ अगर सिर्फ हमारा डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, सिर्फ अगर सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ अगर डिमांड भी बढ़ा सप्लाई भी बढ़ा तो क्या होगा, अगर समझो हमने बोला कि डिमांड कम हो रहा है सप्लाई कम हो रहा है तो क्या होगा,
मैंने अगर बोला क्या बताइए कि डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। बस ऐसे ही चिल्टू बात यहां पे करनी है। तो इस यूनिट को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें ग्राफ बना के आंसर निकालना है। बस याद रखें, मैं खुद भी ये याद नहीं रखता इस यूनिट को, मैं पढ़ाता हूं, मैं तो खुद भी ये याद नहीं करता इसको। मैं क्या करता हूं इसको बताइए, मैं खुद भी ग्राफ बनाता हूं और आंसर निकालता हूं, बात खत्म। तो ग्राफ बनाओ, आंसर निकालो, खत्म। देखेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, आइए ध्यान देंगे इधर। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, आपको बोला कि समझो अगर कभी ऐसा हो तो, ये सिचुएशन दे रहा हूं कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो ज्यादा चल रही है इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जो प्राइस होनी चाहिए उससे ज्यादा प्राइस चल रही है, तो फिर क्या होगा। तो देखो यहां पर हमको क्या करना है, पहले रैंडमली बनाना है, डिमांड कर बनाया और सप्लाई कर बनाया, फिर मैंने यहां पर बनाया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस बना ली, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बना दी, बस इतना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट में अगर प्राइस ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम से तो क्या होगा, तो यहां से आपको ऐसा लाइन मारना है, बोलना है देखो इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, तो डिमांड कर तक जाना इस प्राइस पे और यहां से जाना नीचे, तो आपको पता चलेगा इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और इस प्राइस पे, हाँ, और क्या बताइए, और इस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बोलते हैं इस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है सप्लाई कर तक जाने का और यहां से नीचू, तो यह है क्वांटिटी सप्लाई इस प्राइस पे। मतलब कि क्या है, मतलब कि बेटा अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो क्या होता है, तो बेटा हमारे मार्केट में फिर क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड होता है कम, तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड है कम, समझा। इसको बोलते हैं बेटा डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस सप्लाई या सरप्लस का सिचुएशन। क्या बोला मैंने, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड की कमी है या सप्लाई ज्यादा का ही हो गया है या सरप्लस है, सप्लाई ज्यादा का ही हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, जब सप्लाई ज्यादा कर रहा है ना, तो यहां पे कस्टमर होशियारी मारते हैं, कस्टमर बोलते हैं सप्लायर को कि तेरे जैसे बहुत सेलर है, तू प्राइस कम करता गया तो मैं तेरे से खरीदूंगा, वरना तेरे जैसे बहुत सेलर है मार्केट में। मतलब यहां पे बेटा प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, बोले प्राइस धीरे धीरे यहां से गिरना चालू करेगी, कब तक, बोले यहां तक, इक्विलिब्रियम प्राइस तक। अच्छा, तो बोले अगर प्राइस हमारी गिरेगी, अब सोच के देखो, अगर प्राइस बेटा गिरता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई गिरता है ना। प्राइस अगर गिरेगा तो क्या होगा, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो कम था वो बढ़ेगा, कब तक, इक्विलिब्रियम तक। हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई है वो ज्यादा था वो क्या होगा, कम होगा, कब तक, इक्विलिब्रियम तक। बस ये आंसर है, खत्म। बोले देखो जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो क्या होगा, तो जो है ना, तो जो है क्या बताएं, क्वांटिटी सप्लाई विल बी मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे सरप्लस का सिचुएशन बोलते हैं। यहां पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है प्राइस पे, क्वांटिटी सप्लाई गिरता है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है अप टू इक्विलिब्रियम। बस डायग्राम ड्रॉ करना है, आंसर निकालना है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े अगली बात, नेक्स्ट बात आती है, आपको पूछ बोलेगा कि अगर मार्केट प्राइस कम है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो फिर है? अगर मार्केट प्राइस बेटा कम है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो फिर क्या होगा। यस कम ऑन, अगर मार्केट प्राइस बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो क्या होगा बताइए। तो बोलते हैं देखो क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाए कैसे, पहले डिमांड कर बनाओ, फिर सब ऐसा रैंडमली बनाना है, रैंडमली कुछ है नहीं, ठीक है ना, रैंडमली बनाना है, ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे चेक करो जल्दी से, यहां पे चेक करेंगे,
चलिए ध्यान देंगे अभी, फालतू टाइम पास कर रहे क्लास में आके। चलिए आगे देखेंगे अभी। अब मैं क्या बोलूँ, प्लीज बेटा हम आपको आपके एग्जाम में 15 दिन में, और कुछ बच्चों को सीरियसनेस ही नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे ऐसे लोगों का, समझ में नहीं आता मुझे तो बहुत बार। चलिए सो रैंडमली बना लो इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बोल रहे हैं मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना वो कम है, है ना, मतलब इससे कम है, तो इससे होगा क्या, बोलते चेक करो इससे डिमांड कर सप्लाई कर पे जाओ। बोले इससे हम गए सप्लाई कर पे, डिमांड कर पे, सप्लाई कर पे गए तो क्या हुआ, हमें पता चला कि इतना है क्वांटिटी सप्लाई, और डिमांड करता गए तो पता चला कि मार्केट के प्राइस पे ये है क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई कम है। तो क्या बोलेंगे कि जब आपका मार्केट प्राइस कम होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो आपका क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन, या इसको बोल सकते हैं शॉर्टेज का सिचुएशन। मतलब कि हम जो खरीदना चाहते ना वो आसानी से मिल नहीं रहा मार्केट में, बहुत ही शॉर्टेज है, सप्लाई कम है। तो अब क्या होता है ना बेटा, अब क्या होता है ना, सप्लायर होशियारी मारता है। सप्लायर बोलेगा कस्टमर तुम्हारे जैसे कस्टमर बहुत है, तुम ज़्यादा प्राइस दे देगा तो तुमको बेचता, वरना लाइन में बहुत लोग लगे हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ता है, तो प्राइस हमारा बढ़ेगा। बोले कब तक बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस तक बढ़ेगा। अच्छा अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, सोच के देखो, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, तो क्वांटिटी सप्लाई जो पहले कम था वो बढ़ेगा, कब तक, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक। क्वांटिटी डिमांडेड आपका गिरेगा, कब तक गिरेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक, खत्म। तो चेक करो यही आंसर है। बोले जब मार्केट प्राइस कम होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो शॉर्टेज का सिचुएशन होता है, यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर आता है प्राइस पे, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड गिरता है, कब तक, इक्विलिब्रियम तक, बात खत्म हो गई। तो ये याद करना ही नहीं है, डायग्राम बनाना है, आंसर निकालना है। आगे देखेंगे अगला सिचुएशन, नेक्स्ट मुझे बताइए कि अगर हमारा सिर्फ अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डिमांड के इंक्रीज होने पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है, क्या करेंगे, बोले डायग्राम बनाओ। क्या करेंगे, डायग्राम बनाओ, है डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला मैंने, पहले बनाओ डिमांड कर्व, एकदम रैंडमली डिमांड का सप्लाई कर्व बनाओ, इक्विलिब्रियम बना दिया बस। अब क्या बोला उसने, बोले सिर्फ डिमांड को इंक्रीज करो। ओके, मतलब डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट बता दो, ये रहा डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट बता दिया, नया इक्विलिब्रियम कहां पर है, ये है नया इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा। चेक करो जब डिमांड इंक्रीज होता है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा, बात खत्म हो गया। आगे देखें, आपको बोलेगा डिक्रीज इन डिमांड का क्या असर पड़ेगा। ओके, डायग्राम बनाओ, लो डायग्राम बनाओ। चलिए तो मैंने बोला डिमांड को डिक्रीज करो, तो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा बताइए, प्राइस गिर गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये भी गिर गया, खत्म। मतलब कि इसके वजह से क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे, बोले दोनों गिर जाएगा। अरे यार क्या चिल्टू बातें चल रही है क्या। आगे बढ़े, बोलते हैं नहीं बताओ अगर सिर्फ सप्लाई बढ़ा तो। ओके, बोले सिर्फ अगर सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, क्या करेंगे, रैंडमली सप्लाई कर डिमांड कर बनाएंगे। चलो बोले अगर सिर्फ सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, ओके तो सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट बता दिया, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर बढ़ा दिया। नया इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है ना, दिस इज न्यू सप्लाई कर एंड डिमांड कर तो पुराना ही है, तो ये हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम। क्या हुआ बताओ, हमारा प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गया, खत्म। चेक करो, चेक करो, हमारा प्राइस गिर जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्या अब आप ये होमवर्क कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ तो, क्या बहुत ही चिल्टू बात है, कुछ भी नहीं। पर अब क्या बोलता है क्वेश्चन, आपके बुक में लिखा आता है साइमल्टेनियस चेंज वाला टॉपिक, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइमल्टेनियस चेंज, मतलब बोलते हैं कि अभी तक हम सिर्फ डिमांड, सिर्फ सप्लाई, सिर्फ प्राइस चेंज कर रहे थे, अब अगर डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हुआ तो क्या होगा। इसमें चार सिचुएशन होते हैं टोटल, है ना, चार बेसिक सिचुएशन क्या है, सुनिए बात ध्यान से, क्या होता है, प्लीज सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चार चीज क्या होंगी, सुनना, देखो अगर मेरा डिमांड बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ा,
दूसरा हो सकता है कि डिमांड गिरा और सप्लाई भी गिरा। तीसरा हो सकता है कि मेरा डिमांड इंक्रीज हुआ लेकिन सप्लाई डिक्रीज हुआ। चौथा हो सकता है कि मेरा डिमांड डिक्रीज हुआ और सप्लाई इंक्रीज हुआ। क्या ये चार सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इनके अंदर तीन चीजें हो सकती है सब में, मतलब कि और इंक्रीज इन डिमांड कैन बी इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, या इंक्रीज इन डिमांड कैन बी मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, या इंक्रीज इन डिमांड कैन बी लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। वैसे यहां पे ये दोनों का डिक्रीज इक्वल हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है। यहां पे ये दोनों इक्वल हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है। यहां पे ये इक्वल हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है। मतलब कि ये हो गए तीन सिचुएशन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, टोटल 12 सिचुएशन हो गए। अब तो हमने क्या किया अभी तक, हमने ऑलरेडी 6 सिचुएशन पढ़ लिए हैं, अब 12 सिचुएशन पढ़ने हैं। लेकिन बहुत ही चिल्टू बात है, मैं क्या करूंगा आपको इसमें, मैं आपको इसमें ये वाला पढ़ा दूंगा, ये वाला आप होमवर्क कर लेना। मैं आपको यहाँ पे ये वाला पढ़ा दूंगा, आप ये वाला होमवर्क कर लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोनों को इंक्रीज करके चेक करते हैं कि क्या होता है, आइए चेक करते हैं। यस, तो मैं आपको इंक्रीज इंक्रीज वाला जो है ना वो तीनों सिचुएशन बता देता हूँ। देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, लेकिन फर्स्ट केस में दोनों का इंक्रीज इक्वल है, दूसरे में इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, तीसरे में इंक्रीज इन डिमांड कम है। इसका क्या असर पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे, ये हमें देखना है। ठीक है ना, चलो चेक करते हैं। पहला सिचुएशन 7 कर रहा हूं मैं, चेक करें। ठीक है ना बेटा, आपके नोट्स बाय कर सकते हैं स्मृति, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए पहला क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। अब चेक करो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि डिमांड को भी इंक्रीज करो और सप्लाई को भी उतना ही इंक्रीज करो। जितना इंक्रीज किया ना सप्लाई को, उतना ही सेम डिस्टेंस से इंक्रीज करो डिमांड को, दोनों को इक्वल इंक्रीज। नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है चेक करो, ये है नया इक्विलिब्रियम। अब चेक करो प्राइस हमारा सेम है लेकिन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया है। चेक करो क्या लिखा है यहां पर, चेक करो कि इस केस में प्राइस रिमेन सेम लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाता है। बस ऐसे ही आंसर देना है, ये रट्टा मारने की जरूरत है क्या बेटा, बताओ ना, क्या ये रट्टा मारने की जरूरत है, प्लीज बताइए। क्या ये रट्टा मारने की जरूरत है मुझे बताइए, फास्ट जल्दी मुझे बताएंगे, क्या कुछ भी दम है क्या इसमें, बताइए फास्ट गाइस, कम ऑन, बिल्कुल नो दम है ना, कोई दम ही नहीं है बेटा इस बात में, है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट चीज, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट चीज। अरे यार एक मिनट, एक मिनट, एकदम नो दम है क्या, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े। तो अगला देखो, बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, मतलब देखो दोनों को इंक्रीज करना है पर डिमांड को ज्यादा करो बस। अच्छा, तो मैंने डिमांड को ज्यादा इंक्रीज किया, सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज किया, बस सिंपल, ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है। तो नया इक्विलिब्रियम यहां पे आ रहा है, तो प्राइस भी बढ़ गया क्वांटिटी भी बढ़ गया। चेक करो क्या लिखा है यहां पे, प्राइस भी बढ़ गया क्वांटिटी भी बढ़ गया है। हाँ, आगे चलो ये करके देखते हैं, दोनों को इंक्रीज करना है लेकिन डिमांड को कम इंक्रीज करना। ओके ओके, चलिए
तो पहले रैंडमली डिमांड का सप्लाई कर बनाया, इक्वली में बनाया, अब डिमांड को कम इंक्रीज करना है, सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज करना है, तो क्या हो रहा है बताइए? हमारा प्राइस जो है वो कम हुआ लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया। चेक करो, इक्वली में प्राइस डिक्रीज, ये इंक्रीज। क्या सबको बात समझ में आई? मुझे बताइए फास्ट, क्या सबको बात समझ में आई क्या? यस, कम ऑन, जल्दी बताएं, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? फास्ट गाइस, कम ऑन। यस नो, आगे बढ़ू क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन 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 है क्या बात? ओके डन, है ना? तो अब हमें एग्जाम में क्या होता सुनना, आपको एग्जाम में बोलेगा इंस्टीट्यूट, आपको एग्जाम में बोलेगा कि सपोज सपोज कंप्यूटर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ क्या होगा? है मतलब कि इंस्टीट्यूट ने ये बताया ही नहीं, क्वेश्चन में बेटा हमें बताया ही नहीं कि ये ज्यादा है कम है या इक्वल है, ये तो बताया ही नहीं है, सिर्फ ये बोला दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो चेक करो, अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये तो हमेशा बढ़ता है यहां पे, लेकिन प्राइस सेम भी रह सकती है, बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। तो हम यहां पे पक्का, अगर ऐसा हुआ है ना तो हम पक्का बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इसका इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमिंड, हम ये नहीं बता सकते इसके साथ क्या होगा। बस ये आंसर है, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे एमसीक्यू आते हैं। डन 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 डन, क्या आप सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बताइए फास्ट, यस नो, हाँ ये बात है, ठीक है ना? तो ऐसा सवाल आता है। चलो, तो क्या अब आप डिक्रीज डिक्रीज वाला कर सकते हैं क्या? डिक्रीज डिक्रीज में क्या होगा पता है? तीनों केस में आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज ही होगा, लेकिन प्राइस सेम भी रह सकता है, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, लेकिन ये नहीं बताया कि सप्लाई ज्यादा गिर रहा है कि डिमांड ज्यादा गिर रहा है, ये नहीं बताया, तो बोलेंगे भैया देखो क्वांटिटी तो गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन प्राइस का नहीं बता सकते। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जल्दी फास्ट मुझे बताएंगे क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी से लाइक ठोकेंगे और मुझे बताएंगे फास्ट गाइस, कम ऑन, क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? बोलो ना यार, प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आगे बढ़ू, नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट है। अब तो हमने क्या कर लिया अभी बताओ? हमने ये कर लिया, राइट, ये कर लिया। अब क्या करें? अब ये वाला करके देखते हैं, ये सिचुएशन करके देखते हैं, ठीक ना? कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई गिर रहा है और इसमें ये तीन हो रहा है, देखते हैं, चलो ठीक है ना, चलिए देखेंगे। आसान लग रहा है, देखो, तो देखो यहां पे डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, लेकिन पहले है दोनों इक्वल, फिर ज्यादा है डिमांड का, फिर डिमांड का कम है। चलो पहले ये वाला करके देखते हैं कि डिमांड को बढ़ाओ सप्लाई को कम करो, दोनों का इक्वल। अच्छा, मतलब बोल रहा है पहले रैंडमली डिमांड कर सप्लाई कर बनाओ, इक्वल में बनाओ। बोले देखो आप डिमांड को बढ़ाओ, ओके, डिमांड को बढ़ाना है पर सप्लाई को कम करना है, इतना ही। अच्छा, सप्लाई को कम करना है, एग्जैक्टली इतना ही। तो क्या हो रहा है देखो, जितना हमने इसको कम किया उतना ही यहां पर बढ़ाया है, ऐसा, ठीक है ना? तो यहाँ पे चेक करो, हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो तो सेम आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। चेक करो,
इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ गया लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम है। बेटा ये मैं भी याद नहीं रखता हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं आंसर बताता हूं। क्या झेपुड़ी क्या तुमको, मुझे बताओ पहले आप, बार समझ में आ रही है? आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर बताइए। बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड को बढ़ाओ सप्लाई को कम करो लेकिन डिमांड को ज्यादा बढ़ाना। ओके चलिए बेटा सिर्फ डायग्राम बनाना है आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है तो मुझे डिमांड को अब ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ा दिया भैया, सप्लाई को कम करो पर थोड़ा सा, है ना, इसके कमेज में कम है ना, तो थोड़ा सा कम करो। ओके तो नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया, यहां पे आ गया नया इक्विलिब्रियम। चेक करो प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी भी बढ़ गया। चेक करो इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी भी बढ़ता है। यार ये याद करना ही नहीं है, डायग्राम बनाना है आंसर निकालना है। अगला देखो नेक्स्ट, ये वाला देखें। अब डिमांड को बढ़ाओ सप्लाई को कम लेकिन डिमांड को कम बढ़ाना है। ठीक है आइए 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 जल्दी से आइए जल्दी से। बोलते हैं डिमांड को अब कम बढ़ाना। ओके तो डिमांड को थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन सप्लाई को ज्यादा डिक्रीज करो। ओके ये लो तो नया इक्विलिब्रियम आया मेरा यहाँ पे। चेक करो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी क्वांटिटी कम हो गया। चेक करो क्या लिखा है, यहाँ पे प्राइस आपका बढ़ेगा क्वांटिटी आपका गिरेगा। क्या बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए जल्दी से फास्ट, डन हो गए ना भाई बात? अरे इतना ही तो है, धन्य बात में क्या बोलना चाह रहे हो बताइए। यस तो अब मुझे बताओ, आपको सवाल पूछेगा कि समझो किसी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, बताओ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये ज्यादा है कम है या सेम है, ये क्वेश्चन में हमें नहीं बताया है। यार फिर क्या करूं, यार फिर क्या करूं हैं? बोले यहां पे चेक करो, ये तीनों केसेस में हमारा प्राइस तो बढ़ ही रहा है लेकिन यहां पे क्वांटिटी का नहीं बता सकता। बोले यहां पे अगर ऐसा होगा ना, मैं ये पक्का बोल सकता हूं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो मेरा प्राइस तो इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी का इफेक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा क्योंकि तुमने ये नहीं बताया ना मुझे, इसीलिए। क्या समझा क्या बाद में क्या बोल रहा हूं? वैसे ही क्या अब आप ये होमवर्क में कर सकेंगे, बताओ जल्दी फास्ट कि मुझे बताओ कि अगर डिमांड डिक्रीज होगा एंड डिमांड डिक्रीज हो रहा है एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये नहीं बताया ये ज्यादा है कम है या इक्वल है, ये नहीं बताया, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, यहां पे आप जब ये तीनों घर पे करेंगे ना सॉल्व, क्या होगा, तीनों केसेस में आपका प्राइस गिर जाएगा लेकिन क्वांटिटी का बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है, गिर भी सकता है। मतलब कि यहां पे क्या होता है, इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो डिक्रीज होगा ये पक्का है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नहीं बता पाएंगे। तो इसका समरी यहां पे दिया हुआ है कि व्हेन डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये समझा क्या, क्या क्या लॉजिक है, समझ में आ रहा है सबको? यहां पे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1 एंड 2 समाप्त होता है विद ऑल द लॉजिक्स। तो पूरा लॉजिक्स के साथ आपको मैराथन करवाया है, आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, है ना, आप हमारे इस चार्ट बुक का ई बुक ले सकते हैं फ्रॉम mvset.in, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, लाइव चैट में पिन कर दिया है। लास्ट मंथ के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन आपके पास अगर कोई बुक है ऑलरेडी आप वो यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं लास्ट मंथ के लिए। अभी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आप खुद से एडवाइस करना चाहूँगा कि आप सुपर चार्ट और बुकलेट ले लीजिए। बुकलेट में क्या 900 ही MCQ है ना, तो ये आपसे हो जाएगा जल्दी। अगर आप अभी MCQ कंपाइल करेंगे ना, इसमें 1920 प्लस MCQ, थोड़ा सा आपको ये हैवी लग सकता है, फिर भी आपकी मर्जी। आपको लगता है सर नहीं मुझे इतना करना है प्रैक्टिस, तो ये कर लो। आपको लगता है सर मुझे ना देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मुझे टू द पॉइंट MCQ बताओ इंपॉर्टेंट वाले, तो वो इसमें है। आप समझे क्या बाद में क्या बोल रहा हूँ? ऐसा है,
तो ये सारी ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, कॉम्बो वगैरह भी बनाए हुए हैं, आप जाके चेकआउट करें। आपको लगता है सर नहीं हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है, आपकी मर्जी। आपको लगता है सर आपके मटेरियल की ज़रूरत है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल कॉस्ट ही बहुत ही आपकी मर्जी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हमारा जो ये है ना क्या बताइए, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो मैराथन होगा वो परसों होगा 5:30 बजे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 यूनिट 3। तो इसका जो यूनिट 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने जूनियर्स को हमारे ये विश्वास June 24 batch के बारे में बता देना, है ना, न्यू सिलेबस के हिसाब से है। एंड हम नागपुर में आ रहे हैं यार फॉर फेस टू फेस मैराथन, तो आप सबसे मिलने की इच्छा है ना, ज़रूर आइए, मज़ा आएगा। पूरे टीचर्स आने वाले हैं यहाँ पे हमारे फाउंडेशन के, बस दीपिका मैम नेपाल में इसलिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप इसमें रजिस्टर कर ले, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टू रजिस्टर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं था। गाइस मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।